घड़े के करीब आकर जापानी सिपाही रुक गए। उन्हें वहां किसी इंसान के मौजूद होने का शक पड़ गया था। एक जापानी ने झुककर जमीन को देखा, वहां उसे एक जाली की टूटी हुई शाख नजर आई। ये शाख ऐसी थी कि जिस तरह उसे किसी इंसान ने तोड़ा हो। उसने वो शाख उठाकर अपने साथी को दिखाई और जापानी जबान में कुछ कहा। दूसरे सिपाही ने शाख को गौर से देखा और फिर उसे फेंक कर घड़े के मुंह पर जो जालियां रखी हुई थी उन्हें गौर से तकने लगा। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक सिपाही ने संगीन मारकर जालियों को पड़े हटा दिया। जालियों के पड़े हटते ही वहां पर एक सुराख सा जाहिर हो गया। एक जापानी ने अंदर जाकर देखा, उसे अंधेरे में कुछ नजर न आया। दूसरा सिपाही भी झुककर घर के अंदर जागने लगा। इतने में अंदर से एक सब्ज रंग का सांप फंकारता हुआ बाहर को निकला। दोनों जापानी जल्दी से पीछे हट गए। सांप उनकी तरफ लपका। एक सिपाही ने संगीन मार को उसे कुचल दिया। उन्हें अब यकीन हो गया था कि अंदर कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस घड़े में सांप रहता है वहां कोई इंसान नहीं रह सकता। अगर रहेगा तो फिर जिंदा नहीं रहेगा। उन्होंने सांप को पांव से कुचलकर घास पर मसल दिया। उसके बाद वो आगे चल पड़े। जब वो काफी दूर पहाड़ी की दूसरी जानिब चले गए तो सुराख में से अंबर ने बाहर जाकर देखा। फिर अंदर मुंह करकर औरत को आवाज दी, बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए हैं। अमेरिकी औरत सहमी हुई बाहर आ गई। उसने बाहर आते ही सबसे पहला सवाल अंबर से ये किया, तुम्हें सांप ने डसा था, तुम पर जहर का असर हो रहा है, पाओ मेरी तरफ करो, मैं कसकर कपड़ा बांधूंगी। अंदर ऐसा हुआ कि जिस वक्त उन्होंने जापानियों को घड़े के करीब आते देखा तो अंबर ने फैसला कर लिया कि वो इन दोनों जापानियों को इस तरकीब से मारने की कोशिश करेगा कि ना तो वो चीख मार सकेंगे और ना गोली चला सकेंगे ताकि शोर ना हो। लेकिन अचानक उसने देखा कि घड़े के अंदर बाएं जानिब नीचे एक लहद सी बनी हुई थी। ये मिट्टी खोद कर बनाई गई थी। ऐसे लगता था कि यहाँ रात को कोई रिच आराम करता है। अंबर एमली को लेकर इस लहद में उतर गया। जापानियों ने जानियां हटाकर अंदर झांका तो उन्हें कुछ भी नजर ना आया। इतने में एक सांप लहद में से उछलकर बाहर कूदा और इसने अंबर की एड़ी पर डस दिया। कामबख्त को यह मालूम ही नहीं था कि अंबर पर जहर का बिल्कुल असर नहीं होगा। सांप की यह फितरत होती है कि वो अगर किसी इंसान को डस ले तो फिर वहां से भागने की कोशिश करता है। चुनाचा सांप भी बाहर को भागा। बाहर जापानी सिपाही खड़े थे, उन्होंने सांप को मार डाला और ये सोचकर आगे चल दिए कि जहां सांप रहता है वहां इंसान कहाँ होगा भला। एमली ने अंबर की एड़ी को सांप को डसते देखा था। वो खौफ से चीख मारने वाली थी कि अंबर ने उसके मुंह पर जोर से हाथ रख दिया। वो खामोश हो गई। बाहर निकलते ही उसने अंबर की एड़ी पर कपड़ा बांधने को कहा तो अंबर बोला, मेरा खून इस किस्म का है कि मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। लेकिन एमली की समझ में ये बात ना आ सकी कि किसी इंसान का खून इतना अलहदा कैसे हो सकता है कि इस पर सांप का जहर भी असर ना करे। बहरहाल इसका दिल रखने के लिए अंबर ने पांव पर पट्टी कसकर बांध ली। घड़े के बाहर एमली को बिठाकर खुद ऊपर टेले पर जाकर लेट गया और सार ऊपर उठाकर जापानियों को तकने लगा। दोनों जापानी अब ढहलान उतरकर उस तरफ जा रहे थे जहां हवाई अड्डा था। अंबर और एमली शाम तक इस घड़े के बाहर बैठे रहे। जरा आहट होती तो एमली घबरा जाती, अंबर उसे तसल्ली देता। वो अपने खावंद के बारे में बड़ी परेशान थी, उसे सख्त प्यास लग रही थी, वो भूखी भी थी। अंबर ने पत्तों का एक प्याला बनाया और करीब ही एक छोटी सी नदी पर जाकर इसमें पानी भर लाया। रास्ते में उसने एक दरख्त पर से कुछ जंगली अमरूद तोड़ लिए। एमली ने पानी पीकर अमरूद खाए और इसकी जान में जान आई। भाई अंबर, मैं तुम्हारी बेशुक्र गुजार हूँ, तुमने मेरी बड़ी मदद की और मदद कर रहे हो। अगर जंग के बाद अमेरिका गई तो तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाऊंगी। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया एमली बहन। एमली ने एक आह भरकर कहा, ना जाने मेरा खावंद किस हाल में होगा, इन जालिम जापानियों ने जरूर इसे मार डाला होगा, काश हम कभी अमेरिका छोड़कर इन जजीरों में ना आते। अंबर ने कहा, मेरे ख्याल में तुम्हारा खावंद भी इसी जगह कैद होगा, मैं इसे तलाश करके ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम फिक्र ना करो। एमली की आंखों में आंसू आ गए, कैसे फिक्र ना करूं, जब मुझे इसका ख्याल आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन, इन आंसुओं को रोको, मैं तुम्हारे खावंद को जरूर तलाश करके तुम्हारे पास ले आऊंगा। हौसला रखो, हिम्मत ना हारो। पहाड़ी की मशरक की जानिब बिल्कुल सुनसान थी, वहां जरा नीचे जाकर समंदर का साहिल आ जाता था जिसके साथ साथ नारियल के दरख्तों के झुंड चले गए थे।
रात को अंबर ने एमली को गड़े के अंदर रहने के लिए कहा और खुद साले समंदर पर आ गया। वो दरख्तों के नीचे से होकर छुपता छुपाता यहाँ तक आया था और अपने साथ एक थैला सा भी लाया था। यह थैला उसे शाम को पहाड़ी के दामन में पड़ा हुआ मिल गया था। शायद कोई जापानी उसे यहाँ रख कर भूल गया था। अंबर ने घूम फिर कर यहाँ कितने ही नारियल इकट्ठे कर थैले में भर लिए। फिर वो साहिल के जंगलों में आ गया। इस जगह जंगली अमरूदों और पपीते के बेशुमार दरख्त थे। अंबर ने पपीते और अमरूद भी तोड़कर थैले में भर लिए। थैला काफी वजनी हो गया था लेकिन इसे तो बोझ महसूस ही नहीं होता था। उसने थैला कंधे पर उठाया और पहाड़ी पर चलने लगा। एमली यानी उसकी साथी उमैर की औरत ने जो इसके पाँव में टखने के पास पट्टी कसकर बांध रखी थी वो इसे खामखा तंग कर रही थी। उसका एक सिरा खुल गया था और इसके पाँव में आ रहा था। अंबर ने दूसरे पाँव की मदद से पट्टी टखने से उतारकर पड़े फेंक दी। जिस वक्त वो गले में पहुंचा तो ये देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया कि वहां एमली नहीं थी। उसने थैला इसी जगह फेंका और बाहर निकलकर इधर उधर तकने लगा। बेअख्तियार वो एमली को आवाजें देने लगा। उसने आवाज हलक से निकालते निकालते दुबा ली लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा थी। आखिर ये औरत कहाँ गायब हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जापानी उसे पकड़ कर ले गए हों? फिर अंबर को ख्याल आया कि अगर जापानी उसे पकड़ कर ले जाने लगते तो वो जरूर शोर मचाती। कम अज कम अंबर को खबरदार करने के लिए एक चीख ही मार देती। ऐसा भी नहीं हुआ था। फिर वो कहाँ गायब हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सैर पर निकल गई हो? लेकिन सैर करने का भला ये कौन सा वक्त था? अंबर ठेकरियों की ओट में से निकलकर दरख्तों के साथ होता उस तरफ आ गया जिधर छोटी सी नदी बह रही थी। रात अगरचे अंधेरी थी मगर तारों की नीली नीली चमक में दरख्तों के तने और नदी के पानी धुंधला धुंधला जरूर नजर आ रहा था। अंबर ने देखा कि एमली नदी में बैठी नहा रही है। वो एक हाथ से अपने सर को मल रही है और दूसरे हाथ से ऊपर पानी डाल रही है। अंबर ने इत्मीनान का सांस लिया और सर पर हाथ मारकर वापस आ गया कि ये औरत किस कदर दलेर भी है और बुजदल भी। जापानियों को देखकर इसकी गिगी बन गई थी और अब क्या बेफिक्र होकर ऐसे नदी में नहा रही है जैसे ये मगलूपरे की नहर हो। अंबर वापस गड़े में आकर बैठ गया और नारियल तोड़कर इसका मीठा रस पीने लगा। इतने में एमली भी आ गई। अंबर ने उसे डांटकर कहा, अगर तुम इस तरह बेखौफ होकर जंगल में फिरने लगी तो फिर मैं तुम्हारा जिम्मा नहीं ले सकता। क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ चारों तरफ हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं? एमली ने बाल चटककर कहा, मैं कई रोज से नहाई नहीं थी, मेरा बुरा हाल हो रहा था। चलो भैया अब नहीं निकलूंगी यहाँ से। अंबर ने उसे कुछ अमरूद और नारियल खाने को दिए। एमली ने कहा, ये तुम कहाँ से ले आए हो? बस साहिल की तरफ गया था और दरख्तों से तोड़ कर ले आया हूँ। वहाँ बेशुमार फलदार दरख्त है, 2-3 दिनों का राशन ले आया हूँ। एमली ने कहा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? मेरा तो यहाँ दम घुटने लगा है, मुझे अपने खावंत का भी गम खाया जा रहा है। अंबर बोला, सबसे पहले आज रात मैं तुम्हारे खावंत की तलाश में जाऊंगा, इसके बाद ही कोई फैसला करेंगे कि हमें यहाँ से क्यों कर निकलना होगा। एमली ने कहा, तुम्हारे पास कश्ती मौजूद है? हम इस कश्ती में बैठकर रात के अंधेरे में यहाँ से फरार हो सकते हैं। हमारा जजीरा यहाँ से 60-70 मील के फासले पर है, लेकिन वो जजीरा तो अब जापानियों के कब्जे में आ चुका है, वहां हम फौरन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एमली बोली, फिर भी वो हमारा जजीरा है, मैंने वहां बरसों गुजार दिए हैं। हमारे मिलने जुलने वाले मुकामी लोग हैं, इनके यहाँ पनाह मिल सकती है, फिर हम किसी रोज किसी गैर मुल्की बड़ी जहाज में सवार होकर वहां से कूच कर सकते हैं। अंबर ने पूछा, गैर मुल्की जहाज से तुम्हारा क्या मुराद है? मेरा मतलब रेड क्रॉस वालों के जहाज से है। रेड क्रॉस के जहाज दुश्मनों के इलाकों में भी जाते रहते हैं। अंबर सोचने लगा। उसने थैला एक तरफ रखते हुए बाहर जाकर आसमान को देखा। अंदर आकर एमली से कहा, रात अभी काफी बाकी है, मैं तुम्हारे खावंत की तलाश में जापानियों की बैठकों में जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हारे शोर को वहीं कैद कर रखा होगा। क्या तुम मुझे इसकी कुछ निशानी बताओगी? एमली ने कहा, उसका नाम थॉमस है, उसकी घनी स्याह मूछे और माथे पर जख्म का निशान है, बस इससे ज्यादा और कोई निशानी हो सकती है क्या? अंबर ने कहा, ठीक है अब मैं जाता हूँ और सुबह होने तक पहले पहले वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम हरगिज यहाँ से बाहर ना निकलना। अगर मैं सुबह को भी किसी वजह से ना आ सका तो गड़े के अंदर जानियां डालकर खामोश होकर पीछे बैठी रहना और मेरे आने तक यहीं रहना, मैं हर हालत में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर अंबर गड़े से निकल गया। एमली ने उसे पहाड़ी की ओट में अंधेरे में गुम होते देखा और गड़े के मुंह पर जानियां रख दी और पीछे जमीन पर
लेट गई। अपने खामत को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंबर टेले से उतरकर दूसरे टेले पर चढ़ने लगा। ऊपर जाकर उसने परली जानिब जापानियों की बैरकों और हवाई अड्डों को देखा। धीमी धीमी रोशनी कहीं कहीं हो रही थी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि हवाई जहाज रनवे से हटाकर इन्हें एक कतार में बैरकों के साथ खड़ा कर दिया गया था। हेलीकॉप्टर भी दूसरी तरफ चला गया था। गोया हवाई अड्डा किसी बड़े जहाज के उतरने के लिए तैयार किया गया था। अंबर झुककर अंधेरे में टेले से उतरने लगा। वो सामने वाली बैरकों के अकब में आ गया। यहाँ अंधेरा था। बैरकों के कोने में एक मधब सा बल्ब चल रहा था जिसकी कमजोर रोशनी सिर्फ इर्द गिर्द का थोड़ा सा इलाका रोशन कर रही थी। अंबर सांस रोके वहां खड़ा रहा। जरा पड़े हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर रात की हल्की नीली रोशनी में खामोश खड़े थे। दो जापानी सिपाही जरा फासले पर खड़े पहरा दे रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। समंदर की तरफ से लहरों के किनारे के पत्थरों से टकराने की आवाज आ रही थी। अंबर ने सोचा कि एमली का खामंद किस जगह कैद हो सकता है। रह रहकर उसका ख्याल बैरक की तरफ जा रहा था। जरूरी था कि इन बैरकों की छानबीन की जाए, लेकिन सवाल यह था कि वो बैरकों की छानबीन कैसे कर सकता है। काश इस वक्त नाग उसके पास होता। नाग बड़ी आसानी से बैरकों में जाकर सारी खबरें ला सकता था, मगर नाग खुदा जाने कहां मारा मारा फिर रहा था। अंबर सड़कता बैरक की दीवार के साथ आ गया। वहां कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। इसमें से जानकर ही अंदर देख लेता। अभी वो वहां खड़ा गौर ही कर रहा था कि अचानक आहट हुई और एक जापानी सिपाही ने संगीन से हमला कर दिया। अंबर ने उछलकर जापानी को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा लिया। उसने जापानी की गर्दन इस वक्त छोड़ी जब वो ठंडा हो गया था। अंबर को एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारकर जापानी सिपाही के कपड़े पहन लिए और जापानी को अपने कपड़े पहनाकर एक गड़े में फेंक दिया और ऊपर गैस फोन्स और जारियां डाल दी। अब वो खुद एक जापानी सिपाही लग रहा था। अंबर ने बंदूक कंधे पर रखी। जापानी सिपाहियों वाली सबस टोपी रखकर उसका छज्जा आंखों पर जरा ज्यादा झुका लिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके और बैरक की दीवार के साथ साथ चलने लगा। रात के अंधेरे में तो उसे कोई नहीं पहचान सकता था, लेकिन सुबह की रोशनी में वो पहचाना जा सकता था। इसलिए जो कुछ करना था वो सुबह होने से पहले करना था। यह भी उसकी खुशकिस्मती थी कि कदीम मिस्री बुजुर्ग की दुआ से वो दुनिया की सारी जुबानें बोल और समझ सकता था। चुनाचे वो जापानी जुबान भी समझ और बोल सकता था। अंबर जापानी सिपाही के बेस में बैरक की दूसरी जानिब निकल गया। उधर हवाई जहाज खड़े थे। वो यूं चल फिर रहा था जैसे पैरा दे रहा हो। असल में वो अकाबी नजरों से अंधेरे में बैरकों की खिड़कियों को कंगाल रहा था। इन खिड़कियों में दो एक जगहों पर रोशनी हो रही थी। अंबर एक रोशन खिड़की की तरफ चल पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खिड़की की तरफ आ रहा था कि पीछे से किसी ने जापानी जुबान में कहा, अरे युकीट, कहाँ जा रहे हो? क्या आज पहरा नहीं दोगे? अंबर समझ गया कि उसके पहरा देने की जगह पीछे है और इसे खिड़की की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसने पलट कर देखा। जरा फासले पर एक जापानी सिपाही राइफल के सहारे खड़ा उसकी तरफ देखकर हाथ हला रहा था। यू केट, इधर आकर पहरा दो, मैं जा रहा हूँ। अंबर ने दूर से जापानी जुबान में कहा, दोस्त तुम चले जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। बैरक में मेरी टॉर्च रह गई है। जापानी सिपाही बोला, अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाना, कहीं कर्नल आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जापानी सिपाही चला गया। अंबर के लिए अब मैदान साफ हो गया था। वो खिड़की के पास आकर रुक गया। उसने एक पट जरा सा खोल दिया। अंदर दो जापानी सो रहे थे। अंबर ने खिड़की बंद कर दी और बैरक के दरवाजे में से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया। ये बैरक लंबी थी और दीवार के साथ साथ चारपाइयां लगी थी जिन पर जापानी सिपाही खराटे ले रहे थे। यहाँ कोई कैदी नहीं हो सकता। फिर थॉमस यानी के एमली का खावंत कहाँ होगा? अंबर ने देखा कि बैरक के कोने में एक सिपाही पहरा दे रहा है और ओंक भी रहा है। अंबर ने जरा फासले पर जाकर उससे पहचान भी ना सके आवाज देकर पूछा, अरे वो अमेरिकी कैदी कहीं भाग तो नहीं गया? जापानी चौंककर बोला, क्या बकवास करते हो, किसने कहा है तुम्हें? फिर वो आंखें मलते हुए उठकर पहरा देने लगा और अंबर की तरफ देखकर बोला, क्या तुम युकेडा हो? अरे तुम अंदर क्या कर रहे हो? वो अमेरिकी कैदी कहाँ भाग सकता है भला, मगर तुम क्यों पूछने लगे हो? अंबर ने हंसकर दूर से जापानी जुबान में कहा, अरे मैं तो मजाक आ रहा था, इसीलिए कि तुम ओंग रहे थे और अगर तुम इसी तरह से पहरा देते रहे तो सारे कैदी यहाँ से फरार हो सकते हैं।
जबानी बोला, यू कैदा, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कैदी यहाँ नहीं है बल्कि दूसरी बैरक की हवालात में बंद है? अंबर ने कहका लगाया, अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, शहनशाह जापान जिंदाबाद। शहनशाह जापान जिंदाबाद। जापानी सिपाही हैरान जरूर था कि आज ये युकैदा को क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसे ये भी नहीं मालूम कि कैदियों के हवालात इस बैरक में नहीं है। इसके बाद वो फिर ऊँगने लगा। अंबर को वो राज मिल गया था जिसकी तलाश में वो निकला था। वो लंबे लंबे कदम उठाता दूसरी बैरक की तरफ चल पड़ा जो वहां से थोड़ी दूर थी। इस बैरक के बाहर भी कोने में एक मध्यम सा लैंप जल रहा था। अंबर सुबह होने से पहले पहले अपना मिशन पूरा कर लेना चाहता था। इसके पास वक्त बहुत कम था और वो हर कदम जल्दी से उठाना चाहता था। दूसरी बैरक का दरवाजा बंद था। बाहर एक जापानी सिपाही पहरा दे रहा था। नींद से उसकी बुरी हालत हो रही थी। वो सर झुकाए ऊँग रहा था। अंबर उसके अकब में जाकर खड़ा हो गया। जापानी सिपाही शायद नींद के आलम में था, उसको पता ही ना चल सका कि कोई दूसरा इंसान उसके पास आकर खड़ा है। अंबर ने इस मौके को गनीमत जाना और आगे बढ़कर आहिस्ता से दरवाजा खोला और बैरक में दाखिल हो गया। ये बैरक ज्यादा लंबी नहीं थी, इसके अंदर आधे हिस्से में कमरे बने हुए थे। एक दरवाजा खोलकर अंबर ने देखा कि वो दफ्तर है। उसके अकब में एक और दरवाजा था, इसके ऊपर जापानी जुबान में लिखा था हवालात। अंबर ये बोर्ड पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। कमाल की बात थी कि वहां कोई भी सिपाही पहरा नहीं दे रहा था। शायद जापानियों ने एक ही पहरेदार को काफी समझा था जो बैरक के बाहर सो रहा था। दरवाजा खुलते ही सामने अंबर ने एक कमरा देखा जिसके दरवाजे पर सलाखें लगी थी, गोया यही हवाला थी। अंबर ने सलाखों के पास जाकर देखा, सामने दीवार की तरफ मुंह किए एक आदमी सो रहा था। अंबर को यकीन था कि यही आदमी एमनी का खावंद है। उसका रंग गोरा था, सर के बाल लंबे और मैले कचैले हो रहे थे। पतलून और जैकेट भी जगह जगह से मैली हो रही थी। दरवाजे पर बड़ा मजबूत ताला लगा था। अंबर ने ताले को हाथ में लेकर एक जोर से झटका दिया, ताला टूटकर उसके हाथ में आ गया। इस झटके के शोर से हवालात में सोए हुए आदमी की आंख खुल गई। उसने सर उठाकर अंबर को देखा। अंबर हवालात का दरवाजा खोलकर इस कैदी के पास चला गया और बोला, तुम एमली के खावंद थॉमस हो ना? थॉमस हैरानी से अंबर को देख रहा था कि ये कौन सा आदमी है जो इसका नाम और इसकी बीवी का नाम भी जानता है और जिसने एक ही झटके से लोहे का इतना बड़ा ताला तोड़ दिया है। अंबर ने उसके शाने पर हाथ रखकर हिलाते हुए कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बताओ, जल्दी से बताओ, क्या तुम थॉमस हो, एमली के खावंद हो? हाँ, इस कैदी के मुंह से अपने आप निकल गया। अंबर ने घूमते हुए कहा, तो फिर मेरे पीछे पीछे आओ। अंबर थॉमस को लेकर हवालात से बाहर आ गया। इत्तफाक की बात यह हुई कि ताले के टूटने की आवाज सुनकर बाहर सोया हुआ जापानी सिपाही भी उठ बैठा था। वो राइफल लेकर अंदर की तरफ भागा। हवालात के सामने आते उसने देखा कि एक सिपाही कैदी को भगाकर लिए जा रहा है। वो छुपकर इन दोनों के बाहर दरवाजे के पास आने का इंतजार करने लगा। जो ही अंबर और थॉमस दरवाजे के पास आए, जापानी सिपाही ने बंदूक दिखाकर कहा, खबरदार, आगे बढ़े तो गोली चला दूंगा। एमली के खावंद का तो खून उशक हो गया था, मगर अंबर पर जापानी की धमकी का कोई असर ना हुआ। उसने आगे बढ़कर जापानी की राइफल को हाथ से पकड़ लिया। अगर चाहते हो कि जिंदा रहो तो राइफल नीचे कर लो, अंबर ने जुमला जापानी जुबान में कहा था जिसे थॉमस बिल्कुल ना समझ सका। वैसे वो बड़ा हैरान हुआ कि ये नौजवान जापानी जुबान भी जानता है, जो बड़ी मुश्किल जुबान होती है। जापानी भी एक बार चक्कर खा गया। इस दौरान में जापानी ने गोली चला दी। एमली का खावन तो पत्थर का बुत बन गया क्योंकि उसके सामने गोली अंबर को लगी थी। और फिर जब एमली के खावंत ने यह हैरत अंगेज नजारा देखा कि गोली अंबर की गर्दन पर लग कर टिन की आवाज से नीचे फर्श पर गिर पड़ी है और इसे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उधर जापानी भी चकरा कर रह गया कि या खुदा, ये माजरा क्या है? इस शख्स की गर्दन पत्थर की है, इसे लगकर गोली नीचे गिर पड़ी है। बल्कि ऐसा तो पत्थर के साथ भी नहीं होता, गोली तो पत्थर में थोड़ा बहुत सुराख करती है। जापानी की हैरत का फायदा उठाकर अंबर ने उसके हाथ से राइफल छीन कर उसे हैंड्सअप कर दिया। खामोशी से हवालात के अंदर चले जाओ, अगर तुमने शोर मचाने या भागने की कोशिश की तो मैं गोली मारकर तुम्हें हलाक कर दूंगा। जापानी चुपचाप हवालात के अंदर चला गया। अंबर ने उसे बंद कर बाहरी कुंडी चढ़ा दी, लेकिन गोली चलने की आवाज हवालात के बाहर भी गई थी और बाहर से दूसरा स्पायर भी राइफल लेकर अपने साथी की मदद को अंदर भागा।
जो ही अंबर एमली के खामंद को लेकर बाहर निकला तो इसने राइफल दिखाकर रोब से कहा, हाथ ऊपर उठा लो। एमली के खामंद थॉमस ने उसी वक्त हाथ ऊपर उठा लिया। अंबर ने जापानी सिपाही से जापानी जुबान में कहा, मैं जापान में 12 साल रहा हूँ, यही वजह है कि मैं तुम्हारी जुबान आसानी से बोल सकता हूँ। राइफल नीचे करके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंदर चलकर अपने साथी का अंजाम देख लो। अगर तुमने हमें पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारे साथी जैसा होगा। जापानी सिपाही ने ताज्जुब से अंबर को देखा, क्योंकि अंबर बड़ी रवानी से और आसानी से जापानी जुबान बोल रहा था। उसने कहा, मैं तुमको गिरफ्तार करके रहूंगा, अगर भागे तो गोली मार दूंगा। अंबर ने सोचा कि इस बार भी जापानी सिपाही की गोली चली तो हो सकता है कि उसके धमाके से बेड़क में सोए हुए सारे सिपाही जाग पड़ेंगे, क्योंकि अब वो बेड़क के दरवाजे के आगे खड़े थे। अंबर ने हाथ ऊपर उठा लिया, चलो ठीक है, हम हथियार फेंकते हैं। थॉमस ने परेशानी से अंबर को देखा कि ये आदमी कैसा है, एक बार जापानी को हला किया और अब दूसरे से हार मान रहा है। अंबर ने थॉमस से कहा, कोई हरकत ना करना। इसे डर था कि कहीं थॉमस नादानी से जापानी पर हमला ना कर दे। जापानी सिपाही इन दोनों को लेकर अंदर हवालात दरवाजे पर आ गए। यहाँ जापानी सिपाही ने अपने साथी को हवालात में बंद देखा तो गुस्से से उसका खून खोल उठा। उसे थॉमस के कंधे पर राइफल का दस्ता मारकर कहा, आगे चलो उल्लू के पट्ठे, सुबह तुम दोनों को गोली मार दी जाएगी, चलो। थॉमस लड़कर आ गया। अब अंबर के हमला करने का वक्त आ गया था। इससे पहले कि जापानी सिपाही अंबर और उसके साथी को हवालात में कैद करता, अंबर ने पीछे मुड़कर उछलकर एक फ्लाइंग किक जापानी के मुंह पर मारी। वो पीछे को गिर पड़ा और राइफल उसके हाथ से उछलकर परे जा गिरी। अंबर ने लपककर राइफल पकड़ ली और जापानी सिपाही की तरफ तानकर कहा, चलो हवालात के अंदर, अगर शोर मचाया, किसी को मदद के लिए पुकारा तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। जापानी सिपाही बेबस हो गया था। थॉमस ने हवालात का दरवाजा खोलकर जापानी को धक्का देकर हवालात के अंदर बंद कर दिया। अंबर ने राइफल से इशारा किया और कहा, मेरे पीछे पीछे भाग चलो यहाँ से। वो दोनों बेड़क से निकलकर बाहर हवाई अड्डे में आ गए। अंबर ने थॉमस को हदायत कर दी थी कि उसके पीछे पीछे चले और इधर उधर जाने की हरगिज कोशिश ना करे। रात का पिछला पहर था, आसमान पर सुबह की हल्की नीली झलक सी नजर आने लगी थी। थॉमस यानी एमली का खावंत अंबर के पीछे पीछे चलता रींगता दरख्तों और झाड़ियों के अंधेरे में से गुजरता जंगल में आ गया। अभी वो जंगल में दाखिल ही हुआ था कि एकदम से शोर मच गया, सायरन होने लगा। ये खतरे का सायरन था। अंबर और थॉमस भी एक जगह रुक गए। इतने में अमेरिकियों के बमबार जहाज जजीरे के आसमान पर आए, उन्होंने बमबारी शुरू कर दी। नीचे से जापानियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कम वक्तों के निशाने इतने ठीक थे कि देखते ही देखते उन्होंने 3 जहाज गिरा लिए। 2 जहाजों में तो आग लग गई, 2 वो फिजा में ही फट गए थे और एक जहाज का हवाबाज छतरी खोलकर नीचे उतर गया। बाकी जहाज भाग गए। हवाई अड्डे की तरफ से जापानियों की आवाजें आ रही थी। 1-2 जगहों पर आग लगी थी जिसे जापानी बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सिपाही जंगल में इस जगह से दौड़ते हुए गुजरे जहां अंबर और एमली का खावंद थॉमस छुपे हुए थे। थॉमस ने डरकर कहा, ये काम बखत तो इधर ही आ गए हैं। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है उन्होंने जंगल में जरूर किसी जगह गोला बारूद छुपा रखा है, ये इसे देखने जा रहे हैं। दोनों खामोशी से सिपाहियों की वापसी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जापानी सिपाही भागते हुए आए, उनके करीब से होकर गुजर गए। थॉमस ने अंबर की तरफ देखकर पूछा, तुम कौन हो और मेरी बीवी कहाँ कैद है? अंबर ने कहा, फिक्र ना करो, सब ठीक है। मैं अपना तारुफ सिर्फ इतना ही करवाऊंगा कि मैं तुम लोगों का हमदर्द हूँ। क्या एमली जिंदा है? थॉमस ने डरते हुए पूछा। अंबर ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, खुदा का शुक्र बजा लाओ कि तुम्हारी बीवी जिंदा है, इसने मुझे तुम्हें निकाल लाने के लिए भेजा है। थॉमस ने बेताबी से कहा, कहाँ है वो? अंबर बोला, मैं तुम्हारी बीवी के पास ही ले जा रहा हूँ, बस जरा सब्र करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम हवालात से बाहर निकले हैं तो अब फिर इन जापानी वैश्यों के हाथे चढ़ जाए। थॉमस ने अंबर की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, क्या एक बात बताओगी मेरे हमदर्द, मेरे भाई? अंबर ने पूछा, कौन सी बात है भला पूछो? थॉमस बोला, मेरी आंखों के सामने जापानी की गोली तुम्हारी गर्दन पर लगी थी, मगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, तुम्हारी गर्दन पर हल्का सा निशान भी नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्या तुम कोई जादूगर हो? क्योंकि सिर्फ जादू के जोर से इंसान मौत पर काबू पा सकता है। अंबर ने कहा, हाँ तुम यही समझ लो कि मैं जादूगर हूँ, मगर एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि जादू के जोर से कोई इंसान मौत पर काबू नहीं पा सकता। जिसकी मौत जिस वक्त लिखी होती है वो आकर ही रहती है और कोई
फानी इंसान मौत से नहीं बच सकता। थॉमस ने कहा, तो फिर तुम क्यों नहीं मरे, तुम्हें मौत क्यों नहीं आई? गोली मेरी आंखों के सामने तुम्हारी गर्दन पर लगी थी और लग कर नीचे गिर पड़ी थी। ऐसा मंजर मैंने सारी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अंबर मुस्कुरा दिया और पिछले पहर की नीली नीली रोशनी में थॉमस का हाथ दुबाकर बोला, ये एक राज है जो तुम कभी नहीं मालूम कर सकोगे। बस इसके पीछे अपना सर ना कपाओ और जो कुछ तुमने देखा है इसे भूल जाओ, क्योंकि हो सकता है इसके बाद तुम इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बातें देखो। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? थॉमस आंखें खोले अंबर को ताक रहा था। अंधेरे में इसकी आंखें चमक रही थी। आखिर बोला, अच्छा दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हारे मामले में दखल देने की कोशिश नहीं करूंगा। अंबर ने मुस्कुराते हुए थॉमस से कहा, अब मेरे पीछे पीछे आओ, रास्ता साफ है। अंबर आगे आगे चला गया, थॉमस उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो झुक झुक कर चल रहे थे। अंबर उसे साथ लेकर एक ठेकड़ी पर चढ़ने लगा। वहां से गुजर कर वो एक पहाड़ी पर आ गया। यहाँ से फिर वो ढलान पर उतरने लगे। आखिर थॉमस ने खड़े होकर दूर समंदर को देखा, जो नारियल के दरख्तों के झुंडों के पीछे से सुबह की हल्की हल्की पुरस्रार रोशनी में शीशे की तरह चमक रहा था। अंबर पहाड़ी के दामन में घनी झाड़ियों के पास एक जगह पहुंचकर रुक गया। अब तुम्हें एक और जादू दिखाऊं? जरूर दिखाओ, अंबर ने आहिस्ता से कहा। एमली बहन, और एमली जल्दी से गड़े में से बाहर निकल आई। दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे को देखा, खुशी से उनकी आंखें भीग गई। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी दोबारा मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे को जिंदा पाया। खुल जा सिम सिम, दोनों मियां बीवी और अंबर गड़े में छुपकर बैठ गए। एमली ने और इसके खामंद थॉमस ने अंबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने अपनी जान खतरे में डालकर उनकी जान बचाई। अंबर ने कहा, पहली बात तो ये कि मैंने अपनी जान खतरे में नहीं डाली, मेरी जान को तो कोई खतरा ही नहीं है। दूसरी बात यह कि मैं अगर किसी की मदद कर सकूं तो मुझे जरूर करनी चाहिए। एमली ने कहा, फिर भी हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। थॉमस कुछ कहने ही लगा था कि जंगल में गोली चलने की आवाज आई। उसके साथ ही दरख्तों पर सोए हुए परिंदे शोर मचाने लगे। अंबर ने झाड़ियों की दर्जों में से झांककर बाहर देखा। सुबह हो गई थी, जंगल में दिन का उजाला फैल गया था। आसमान पर परिंदों के गोल उड़कर दूसरी तरफ जा रहे थे। ये गोली किसने चलाई है? थॉमस ने बाहर देखते हुए कहा। एमली ने कहा, शायद जो पानी इधर आ रहे हैं। थॉमस ने कहा, वो हमारी तलाश में आ रहे हैं। हवालात में जब उन्होंने मेरी जगह अपने दो सिपाहियों को कैद देखा होगा तो इनका तो खून खोल उठा होगा। बस वो गोलियां चलाते मेरी तलाश में आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो? वो क्या? एमली ने पूछा। अंबर बोला, जब अमेरिकी बमबार हवाई जहाज बमबारी करने आए थे तो दो त्यारे फिजा में जलकर तबाह हो गए थे, लेकिन हवाई जहाज का पायलट जहाज में से पैराशूट के जरिए कूद गया था। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे याद है वो पैराशूट के जरिए हवाई जहाज में से कूद गया था, थॉमस ने कहा। अंबर बोला, बस ये जापानी इसी अमेरिकी पायलट की तलाश में जंगल में फिर रहे हैं। एमली बोली, उन्होंने इस पर कहीं गोली ना चला दी हो? हाँ, हमें इस अमेरिकी हवाबाज को अपने यहाँ पनाह में ले लेना चाहिए, थॉमस ने बेताब होकर कहा। अंबर कहने लगा, अभी तो हमें अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि जापानी सिपाही हवाबाज की तलाश में निकले हैं। वो जंगल का कोना कोना छान मारेंगे, हो सकता है वो इस घर तक पहुंच जाए। एमली सहम कर बोली, खुदा ना करे। थॉमस ने कहा, हमें यहाँ से निकल कर किसी और जगह छुपना चाहिए। अंबर बोला, इससे मुनासिब जगह यहाँ इर्द गिर्द के जंगलों में और कहीं नहीं है। एमली बोली, फिर तो अगर वो आ गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थॉमस कहने लगा, अंबर भाई, तुम तो जिंदा रहोगे लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी मर जाएंगे, जापानी हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। अंबर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इन दरिंदों की गोलियों से नहीं मरने दूंगा। तुम लोगों को अब तक बचाता आया हूँ और मेरे खुदा ने चाहा तो इस वक्त तक बचाता रहूंगा जब तक तुम अपने घर तक नहीं पहुंच जाते। थॉमस और एमली ने अंबर का शुक्रिया अदा किया और जंगल में एक बार फिर गोली चली और इस दफा मशीन गन के चलने की आवाज आई थी। थॉमस और एमली सहम गए थे। अंबर ने गड़े के मुंह पर आकर झाड़ियों में से जानकर बाहर देखा। दूर कुछ जापानी उधर भागे आ रहे थे। हाय, अब क्या होगा? एमली ने सहमे हुए कहा। अंबर ने कुछ सोचकर कहा, तुम लोग इसी जगह छुपे रहो, मैं बाहर जाकर किसी जगह मोर्चा बनाकर बैठ जाता हूँ। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं बाहर रहकर तुम्हारी ज्यादा मदद कर सकूंगा, थॉमस ने कहा। मुनासिब ख्याल है।
अंबर इन दोनों को गले में छोड़कर खुद तेजी से बाहर निकला और झुके झुके भागकर करीब ही दरख्तों के पीछे झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। जंगल में मशीन गन चलने के बाद गहरी खामोशी छा गई। अब जंगल में सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। इस रोशनी में अंबर ने देखा कि चार जापानी मशीन गने लिए इधर उधर किसी को तलाश करते झाड़ियों में तलवार चलाते आ रहे हैं। वो झाड़ियों की ओट में हो गया। जापानी उसके करीब से गुजरने लगे तो एक सिपाही बोला, वो भागकर कहाँ जा सकता है, आखिर पकड़ा जाएगा। दूसरे ने कहा, मैं तो थक गया हूँ भाइयों, इस अमेरिकी हवाबाज के बच्चे ने हमारा बुरा हाल कर दिया है। तीसरा सिपाही कहने लगा, वैसे वो जंगल के इसी हिस्से में किसी जगह छुपा होगा। चौथा बोला, और कमबख्त वो अमेरिकी कैदी भी तो आज सुबह हमारी हवालात से भाग गया, कमबख्त इसे भी तो साथ साथ तलाश करना है, कोई एक मुसीबत हो तो बताओ। आओ दोस्तों, इसी जगह कुछ देर बैठकर आराम करते हैं। अंबर खामोशी से झाड़ियों में छुपा इन जापानी सिपाहियों की बातें सुन रहा था। चारों सिपाही पास ही दरख्त के साए में बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद वो उठ खड़े हुए। अंबर को यही फिक्र थी कि कहीं वो इस गड्ढे की तरफ ना चले आए जहां एमली और इसका खामंद थॉमस छुपे हुए थे, लेकिन वो गड्ढे से आगे गुजर गए। अंबर ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। अभी वो उठकर वापस गड्ढे में जाने की सोच ही रहा था कि झाड़ियों में से किसी के भागने की आवाज आई। अंबर के कान खड़े हो गए। उसने उस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। वहां कोई इंसान नजर ना आया। अंबर ने सोचा, यह जरूर कोई जानवर होगा जो झाड़ियों में भागते भागते रुक गया है। वो उठने ही लगा था कि आवाज फिर आई। अंबर जल्दी से दरख्त की ओट में हो गया। उसने देखा एक गोरा चिट्टा नाटे कद का गोलमटोल आदमी हवाबाजों का लिबास पहने झाड़ियों में छुप छुप कर आगे बढ़ता चला आ रहा है। अंबर समझ गया कि यही वो हवाबाज है जो जलते त्यारे में से कूदा था और जिसकी तलाश में जापानी सिपाही फिर रहे हैं। हवाबाज जब अंबर के करीब से गुजरने लगा तो अंबर ने उठकर कहा, रुक जाओ। हवाबाज ने पिस्तौल निकाल लिया। अंबर ने जल्दी से कहा, पिस्तौल मत चलाना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अंबर को डर था कि अगर उसने पिस्तौल का फायर कर दिया तो इसकी आवाज सुनकर जापानी सिपाही वहां वापस आ जाएंगे और फिर अमेरिकी हवाबाज की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हवाबाज ने पिस्तौल इसी तरह से अंबर की तरफ तान रखा था और इसे हैरत से तक रहा था। तुम कौन हो? तुम बड़ी रवानी से अंग्रेजी बोल रहे हो। अंबर ने कहा, मैं इतनी जल्दी अपना तारुफ नहीं करवा सकता, बहरहाल तुम्हारे लिए इतना कह देना काफी है कि मेरा नाम अंबर है और मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। यहाँ करीबी एक गड़े में एक अमेरिकी जोड़ा भी पना लिए हुए हैं। मैं वहां से तुम्हारी तलाश में इसी वास्ते निकला हूँ, आओ मेरे साथ। अमेरिकी हवाबाज ने पिस्तौल जेब में रख लिया और अंबर के पीछे चल पड़ा। गड़ा पास ही था। अंबर उसे लेकर गड़े में आ गया। एमली और थॉमस से तारुफ करवाया। वो बड़ा खुश हुआ कि इसे पनागा मिल गई, वगरना वो तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था। कहने लगा, फिर भी हम लोग अभी खतरे में हैं। इस गड़े में हम लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। जापानी हमारी तलाश में आएंगे और वो यहाँ भी पहुंच जाएंगे। थॉमस ने पूछा, फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? हवाबाज बोला, यहाँ से निकलकर किसी और जगह छुप जाना चाहिए। एमली बोली, कोई और जगह यहाँ कौन सी हो सकती है? अंबर ने कहा, समंदर के किनारे नारियल के दरख्तों में एक जगह चट्टानें उभरी हुई हैं, इनमें कहीं छुपने की जगह बनाई जा सकती है, लेकिन वहां भी जापानियों का खतरा मंडलाता रहेगा। थॉमस ने कहा, लेकिन हम कश्ती में सवार होकर यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते? हवाबाज ने कहा, इस जजीरे के इर्द गिर्द के सारे समंदरों पर जापानियों का कब्जा है। इनके जंगी जहाज दिन रात फिरते रहते हैं। अगर हम कश्ती में सवार होकर चल पड़े तो जापानी जहाजों से बचकर निकल जाना बड़ा मुश्किल होगा। एमली ने कहा, लेकिन हम यहाँ भी तो नहीं रह सकते ना? थॉमस ने कहा, इसके लिए हम गौर करेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी अंबर की हदायत के मुताबिक सारे समंदर की चट्टानों में जाकर छुप जाना ही बेहतर रहेगा। अंबर ने कहा, तो गोया आप लोग तैयार हैं हम साहली चट्टानों में जाकर पनाह ले लें? बिल्कुल तैयार है, एमली ने जवाब दिया। बहुत खूब, अंबर बोला, आज शाम अंधेरा हो जाने के बाद हमें वहां चले जाना चाहिए। शाम हुई और चारों तरफ रात का शुरू का हल्का हल्का अंधेरा फैला तो ये लोग गड़े में से निकलकर एक एक कर आगे पीछे होकर छुपते छुपाते समंदर की तरफ रवाना हो गए। समंदर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक टेले की चढ़ाई चढ़कर फिर नीचे उतरना था। सामने दो समंदर का पानी रात के अंधेरे में नजर आ रहा था। जरा दूर जनूब की तरफ बूढ़े रंग की चट्टानें इसी तरह से उभरी हुई थी जैसे ऊंट बैठे हों। अंबर ने चट्टानों की तरफ इशारा करके कहा, हमें इन चट्टानों के दरमियान पहुंचना है। वहां इस किस्म के गाढ़ हैं कि पानी दूर तक अंदर चला गया है, लेकिन यह पानी घुटने घुटने हैं और आगे चलकर खुशक हो जाता है। किसी को शक भी नहीं पा सकता कि अंदर कोई है। वो झाड़ियों, दरख्तों और टेलों की ऊंट से होते हुए समंदर के किनारे
रेत पर आ गए। अब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था, मगर सामने चांद नजर आया जिसकी रोशनी में समंदर साफ नजर आने लगा था। अंबर ने एक जगह रुककर कहा, हाँ इसी रोशनी में खतरा है कि ऊपर किसी पहाड़ी से कोई जापानी सिपाही हमें देख ना ले, इसलिए एक एक करके झुककर बल्कि रेंग कर रेत पर से गुजरना होगा। वो झाड़ियों में रुके हुए खड़े रहे। सामने चट्टानों का सिलसिला था जो समंदर के साथ साथ मशरक की तरफ घूम गया था। बीच में रेत का छोटा सा मैदान था, बस ये मैदान उन्हें पार करना था। चांदनी ने काम खराब कर दिया था, नहीं तो ये मैदान अंधेरे में वो बड़े आराम से पार कर जाते। अंबर ने सबसे पहले हवाबाज की तरफ इशारा किया, मिस्टर जिमी पहले तुम चलो। हवाबाज जिमी झाड़ियों में से निकला और रेत पर औंधे मुंह लेट गया और फिर उसने घुटनों हाथों के बल रेंग कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रेंगते रेंगते वो चट्टानों के पास पहुंच गया। उसके बाद अंबर ने थॉमस को इशारा किया, थॉमस भी इसी तरह से रेत पर रेंगते रेंगते आकर चट्टानों के पास पहुंच गया। फिर एमली भी रेत का साहिल अबूर कर गई। सबसे आखिर में अंबर ने मैदान पार किया। वो लोग चट्टानों की ओट में होकर खड़े थे। अंबर ने जाकर उन्हें अपने पीछे पीछे चलने को कहा। अंबर उन्हें चट्टानों में घुमा फिराकर एक गार के सामने ले गया। इस गार का मुंह नीचा था, इसमें सर झुकाकर जाना पड़ता था। ये गार काफी लंबी है। गार में पानी था, अंबर पानी में दाखिल हो गया, पानी उसके घुटनों तक आ गया। फिक्र ना करो, पानी आगे जाकर थोड़ा हो जाना है। थॉमस एमली और हवाबाज भी पानी में दाखिल हो गए। समंदर का पानी ठंडा था, उन्हें लेकर अंबर जरा आगे गया तो गार बाएं जानिब घूम गई और पानी भी कम हो गया। अंबर ने कहा, आगे एक चकोर कमरा सा बन गया है जिसकी छत ऊंची है। कहते हैं किसी जमाने में यहाँ समुद्री डाकू पना लिया करते थे और अपना लूटा हुआ माल छुपाया करते थे। थॉमस बोला, ये तो मुझे अली बाबा का गार्ड लगता है जिसके बाहर जाकर वो बोला जाता है, खुल जा सिम सिम, और गार का मुंह खुल जाया करता था। अंबर मुस्कुराया, ये अली बाबा के गार से भी ज्यादा खतरनाक गार है, क्योंकि यहाँ जापानी किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई जाकर उन्हें हमारे बारे में खबर करे तो, वगरना वो इस जगह से वाकफ नहीं है। एमली ने कहा, अंबर भाई तुम तो कहते थे कि ये जगह बड़ी महफूज है। अंबर बोला, सिर्फ इस सूरत में कि अगर जापानियों को हमारे बारे में इलम हो जाए, क्योंकि फिर यहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं है, आगे से ये गार बिल्कुल बंद हो जाता है। थॉमस ने कहा, मगर यहाँ तो बड़ी ताजा हवा आ रही है, ये हवा कहाँ से आती है? अंबर बोला, इस चट्टान की छत में किसी जगह कुछ सुराख पैदा हो गए हैं, ये ताजा हवा इन सुराखों में से आती है। मेरा ख्याल है हमें आगे चलना चाहिए। अंबर इन लोगों को गार के चकोर कमरे में लेकर आ गया। हवाबाज ने लाइटर जलाया तो मालूम हुआ इसकी छत ऊंची है और दीवारों के पत्थर उबड़े हुए हैं। फर्श पर भी जगह जगह पत्थर बिखरे थे। लाइटर बुझ गया। हवाबाज ने जेब से एक सफेद रंग की टिकिया निकालकर उसे आग दिखाई। ये टिकिया दिए की तरह से चलने लगी। अब वहां हल्की हल्की रोशनी हो गई। ये लोग गड़े से अपने साथ नारियल और कुछ फल भी थैले में भर कर ले आए थे। नारियल का पानी पीने के लिए था, क्योंकि समंदर का पानी कड़वा और बाड़ी होता है, वो पी नहीं सकते थे। हवाबाज के पास इस इलाके का नक्शा था। उसने जेब में से नक्शा निकालकर रोशनी में फैला दिया और वो पेंसिल लेकर बोला, इस नक्शे के हिसाब से हम बहरुल काहिल के जनूब में हैं। यहाँ से मशरक में जापान के इलाके में, मगरिब में कोई 2000 मील के फासले पर ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम यहाँ से किसी ना किसी तरह कश्ती पर बैठकर निकल भी जाएं, तो हम एक छोटी सी कश्ती में 2000 मील का फासला आसानी से तय नहीं कर सकेंगे। थॉमस ने कहा, क्या हम जंग खत्म होने तक यहाँ इंतजार करेंगे? हवाबाज ने कहा, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, मगर अभी हमारे सामने ऐसी तरकीब भी नहीं है कि यहाँ से फरार हो सके। एमली ने आह बड़ी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गार में हमारी कब्रें बनेंगी, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अंबर ने कहा, कोई ना कोई तरकीब सोच लेंगे हम लोग, आप घबराए नहीं। हवाबाज बोला, सिर्फ एक सूरत हमारी यहाँ से बचकर निकलने की हो सकती है, और वो ये कि हम किसी तरह से जापानियों का छोटा जंगी सेक्टर चुरा कर यहाँ से भाग जाए। थॉमस ने कहा, ये बड़ा मुश्किल काम है। जापानी इतने अहमक नहीं है कि आसानी से एक जंगी स्टीम हमारे हवाले कर खामोश तमाशाई बने हमें देखते रहेंगे। अगर हम इनके नरगे से निकल भी गए तो इनके हवाई जहाज बम मारकर हमारे स्टीमर को तबाह कर देंगे, फिर हमारी लाशें मछलियां खाएंगी। एमली सहम गई, मेरे खुदा। अंबर ने कहा, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। हवाबाज ने कहा, तुम क्या कर लोगे, आखिर तुम भी हमारी तरह के इंसान हो, बल्कि तुमको तो फौजी बातों का मुझसे ज्यादा इलम भी नहीं है। अंबर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ और फौजी बातें भी तुमसे ज्यादा नहीं जानता, मगर फिर भी मैं आप लोगों की जो मदद कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते। हवाबाज जला कर बोला, मैं नहीं मानता तुमने मुझे पनाह दी है, तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं।
एमली और थॉमस खामोशी से हवाबाज को तक रहे थे। वो अंबर की गैर मामूली ताकत देख चुके थे। उन्हें मालूम था कि अंबर किस कदर ताकतवर इंसान है, और जब उन्होंने देखा कि हवाबाज बहुत गुरूर की बातें कर रहा है, तो थॉमस ने कहा, मिस्टर जिमी, इस बात को यही खत्म किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं और हमें लड़ाई झगड़े की बजाय आपस में सलूक से रहना चाहिए। अंबर समझ गया था कि थॉमस और एमली नहीं चाहते थे कि हवाबाज से उलझा जाए, चुनाचे वो भी खामोश रहा। रात उन्होंने कुछ सोच कर बातें करके गुजार दी। सुबह हुई तो कमरे में चट्टान की छत में कहीं से हल्की हल्की रोशनी आने लगी। कमरे में रोशनी हो गई। उन्होंने नारियल का नाश्ता किया। अब वो जापानी स्टीमर के चुराने के बारे में मशवरे करने लगे। हवाबाज ने कहा, मैंने हवाई जहाज में इस जजीरे पर कई चक्कर लगाए हैं। मैं जानता हूँ यहाँ जजीरे के जनूबी साहिल पर जापानियों के कुछ छोटे जहाज हर वक्त खड़े रहते हैं। इन जहाजों पर सिर्फ एक त्यारा शिकन तोप लगी होती है। असल में ये छोटे स्टीमर घूम फिर कर हवाई जहाज को मार गिराने का काम करते हैं। थॉमस ने कहा, इन जहाजों पर जापानियों का जबरदस्त पहरा लगा होगा, ऐसी सूरत में उन्हें वहां से निकालना बड़ी मुश्किल बात हो गई। हवाबाज ने कहा, यह तो ठीक है, मगर हमें हर हालत में एक स्टीमर वहां से चुरा लाना होगा। एमली बोली, जब हमें से कोई स्टीमर उड़ा लाएगा तो इसकी तो आवाज आएगी, जापानी होशियार हो जाएंगे। हवाबाज ने कहा, कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टीमर को किसी बड़े रस्से की मदद से खींच कर लाया जाए ताकि इंजन चलने की आवाज ना आए, और ये काम रात के अंधेरे में किया जाए। अंबर ने कहा कि मेरा ख्याल है मिस्टर जिमी, तुम इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहोगे, क्योंकि फौज और जहाजों के बारे में तो तुम्हारा इलम हमसे ज्यादा है। हवाबाज ने चौंक कर अंबर की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आया था कि इतना मुश्किल काम उसे सौंपा जाएगा। थॉमस ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। अंबर बोला, सारे नहीं कर सकते, सिर्फ एक आदमी को ये काम करना होगा, और हवाबाज जिमी से ज्यादा लायक आदमी इस वक्त हमारे पास कोई नहीं है। हवाबाज समझ गया कि अंबर उसे मनसाना चाहता है। ये काम मैं जरूर करता अगर इन समुद्रों के बारे में मेरा कोई तजुर्बा होता। मैंने हवाई जहाज में जरूर यहाँ के चक्कर लगाए हैं, मगर इस जजीरे पर कभी नहीं आया। अंबर खामोश रहा, एमली भी खामोश थी। थॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा, अंबर, ये काम तुम क्यों अपने जिम्मे नहीं ले लेते? अंबर ने कहा, मैं तो एक कमजोर इंसान हूँ, मिस्टर जिमी बहुत ताकत और तजुर्बाकार है, भला इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम दूसरा कौन कर सकता है। हवाबाज ने गर्दन ऊंची कर ली। अपनी तारीफ सुनकर वो बड़ा खुश हो रहा था। वैसे भी वो अंबर के मुकाबले में अपने आप को बहुत बुलंद ख्याल कर रहा था। वो बातें कर रहे थे कि उनके पीछे से एक सुरख रंग का लंबा सा सांप निकल आया। उसका सर स्याह था और बाकी जिस्म लाल था, जिस पर सबस रंग के दबे पड़े थे। ये सांप इस जजीरे का सबसे जहरीला सांप था। कहते हैं कि ये सांप अगर किसी को काट ले तो वो एक मिनट के अंदर अंदर मर जाता है, और इसका सारा जिस्म सुरख हो जाता है। इस पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। सांप थॉमस के पीछे जो पत्थर था वहां से निकला, उधर अंधेरा था। थॉमस के पीछे से होकर सांप आगे बढ़ा तो रास्ते में अमेरिकी हवाबाज जिमी का पांव आ गया। जिमी हवाबाज ने बेख्याली में पांव बदला तो वो सांप की गर्दन पर पड़ गया। बस फिर गया था, सांप गुस्से से फनकारा। इससे पहले कि इसकी फनकार सुनकर अंबर इसे पकड़ता, सांप ने हवाबाज की पिंडली पर काटा और भागकर अंधेरे में गुम हो गया। एमली ने सांप को काटते देख लिया था। सांप, वो चीखी। हवाबाज पिंडली पकड़कर बैठ गया, उसके जिस्म में सुइयां से चुभने लगी। उसे यूं लगा जैसे उसकी जान निकल रही है। थॉमस ने उसकी पिंडली पर कपड़ा लपेट दिया। अंबर ने पिंडली को देखा, जहां सांप ने काटा था वहां से खून निकल रहा था। अंबर को नाग ने एक मंत्र सिखा दिया था जिसकी मदद से सांप के काटे का इलाज हो जाता था, बल्कि जो सांप काटता था वो खुद आकर जहर चूस लेता था। हवाबाज ने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो मिस्टर जिमी, तुम मरोगे नहीं। और फिर अंबर ने पिंडली के जख्म पर हाथ रखकर नाग का बताया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हवाबाज नाउमीद हो चुका था। उसे यकीन था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। थॉमस और एमली को अलबत्ता कुछ यकीन सा था कि अंबर उसे मौत के मुंह से बचा लेगा। अंबर मुंह ही मुंह में नाग के बताए हुए मंत्र पढ़ रहा था। उधर सांप समंदर की तरफ गार में चला जा रहा था कि अचानक उसे एक झटका लगा और पीछे को भागा। यूं लग रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती पीछे खींच रहा हो। इसकी आंखों के सामने शीर्ष नाग देवता आन खड़ा हो गया था और बोला, वापस जाकर जिस शख्स को तुमने काटा है इसका जहर चूस लो, जल्दी करो। सामने शीर्षनाग देवता को देखा तो कांपने लगा। वहीं से बिजली की सी तेजी से वापस हो गया। उधर अंबर हवाबाज की पिंडली पर उंगली रखे हुए मंत्र पढ़े जा रहा था। गार की हल्की हल्की रोशनी में इन लोगों ने देखा कि सुरख रंग का एक सांप दौड़ा चला आ रहा है।
एमली और थॉमस शाम को देखकर बांकर दीवार के साथ लगे पत्थरों पर जाकर खड़े हो गए। एमली का रंग जर्द हो गया था। हवाबाज भी लरज उठा के फिर इसे हला करने आ गया है। अंबर खामोश था, उसने पिंडरी के जख्म पर से उंगली उठा दी। सांप ने करीब आकर पान उठाया और जख्म पर मुंह रख दिया। हवाबाज की चीख निकल गई, ये मुझे मार डालेगा। खामोशी से बैठे रहो, अंबर ने कहा। सांप ने जख्म पर मुंह रखकर सारे का सारा जहर चूस लिया और फिर अंबर के आगे सर झुकाकर गोया सलाम करके वहां से चला गया। सांप के जाने के बाद हवाबाज की हालत बेहतर होने लगी और थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठ गया। वो अंबर की तरफ यूं देखने लगा जैसे उसके एहसान के बोझ तले दबा जा रहा हो। उसने अंबर का हाथ थाम कर कहा, भाई अंबर मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कह दी थी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं अपने कहे पर शर्मिंदा हूँ। थॉमस और एमली मुस्कुरा रहे थे। अंबर ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर जिमी, वैसे इंसान को चाहिए कि वो कोई बात मुंह से ऐसी ना निकाले कि जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। हवाबाज ने कहा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं बोलूंगा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझे खरीद लिया है। अंबर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया है। उसके बाद वो सब साथ जोड़कर बैठ गए। आखिर यही फैसला हुआ कि अंबर ही इनके फरार होने का बंदोबस्त करेगा। दोपहर को उन्होंने फिर नारियल खाए। यूं उन्हें गार में रहते 3 दिन हो गए थे। एमली तो सूरज की रोशनी और आसमान देखने को तरस गई। खाने पीने की चीजें यानी नारियल भी खत्म हो गए थे। वैसे भी वो नारियल खाते खाते तंग आ गए थे और कमजोर होने शुरू हो गए थे, क्योंकि नारियल में बला कितनी ताकत होती है। चौथे रोज थॉमस ने कहा, अंबर भाई, आखिर हम यहाँ कब तक जिंदा रहेंगे? मेरा तो ख्याल है कि हमें यहाँ से कश्ती पर निकल जाना चाहिए। अंबर ने कहा, यह खतरनाक बात होगी, यहाँ हमें नारियल का पानी तो मिल रहा है, समंदर में हम प्यासे मर जाएंगे। हवाबाज ने कहा, क्या मैं कोई हवाई जहाज नहीं चुरा सकता? अंबर ने कहा, अगर तुम हवाई जहाज भी चुरा लो तो इसका पीछा किया जाएगा और जापानी जहाज इसे तबाह कर ही दम लेंगे। यहाँ जापानियों का बाकायदा हवाई अड्डा है। थॉमस ने कहा, फिर क्या किया जाए? अंबर बोला, मैं आज रात फिर साले समंदर पर जाकर स्टीमर छुड़ा कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे देर हो जाए तो परेशान नहीं होना। आधी रात को अंबर घर से निकलकर समंदर के किनारे किनारे जजीरे के इसी इलाके की तरफ चल पड़ा, जिधर जापानियों ने छोटे जंगी स्टीमर खड़े कर रखे थे। कोई 2 घंटे बाद अंबर वहां पहुंच गया। उसने एक जगह छुपकर देखा, किनारे किनारे 3 जहाज खड़े थे। एक छोटा स्टीमर जरा फासले पर अकेला खड़ा था। अंबर ने सोचा कि यह जहाज छुड़ाया जा सकता है, मगर किस तरह? क्योंकि रस्से की मदद से इस जहाज को खींच कर ले जाना बच्चों जैसी बात थी। अंबर ने सोचा कि अगर किसी तरह से वो इस जहाज पर पहुंच जाए और अंबर ने और जहाज के ड्राइवर को काबू करके इसे कहे कि जहाज को आगे ले चले तो काम बन सकता है। बहरहाल जहाज पर पहुंचना बहुत जरूरी था। अंबर छुप छुप कर चलता जहाज के पास पहुंच गया। इसके पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था। यहाँ अंधेरा था और जहाज समंदर में खामोश खड़े थे। जहाज चलता रहा। अंबर देर तक वहां खड़ा जहाजों को देखता रहा। बड़े जहाज दूर दूर थे, इनमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। 3 स्टीमर एक जगह खड़े थे, एक स्टीमर सबसे अलग एक जगह खड़ा था। अंबर इस पर कब्जा करना चाहता था, पास वो रेत पर रींगता हुआ स्टीमर की तरफ रींगने लगा। आखिर वो समंदर की लहरों के पास पहुंच गया। समंदर सुकून में था। दूर दूर से पानी की लहरों में आकर रेत समंदर पर बिछ जाती और फिर वापस चले जाती। अंबर स्टीमर के पीछे आ गया। उसने पानी में उतरकर स्टीमर की दीवार की तरफ तैरना शुरू कर दिया। तैरते तैरते वो स्टीमर के पास पहुंच गया। ये लोहे की छोटी सी सीढ़ी थी। अंबर ने सीढ़ी को पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता से पांव रखता ऊपर चलने लगा। वो जहाज के डेक तक आ गया तो इसने जहाज की दीवार के ऊपर से सर निकाल कर देखा। डेक पर कोई नहीं था। अंबर खामोशी और बड़ी एहतियात के साथ डेक पर चढ़ गया और तेजी से चलता एक तरफ लंगर डालने वाली मशीन के पीछे छुपकर बैठ गया। करीबी छोटी सी लोहे की सीढ़ी नीचे जाती थी। नीचे स्टीमर का इंजन रोन था। ताज्जुब की बात यह थी कि इस पर एक डेक पर कोई सिपाही पहरा नहीं दे रहा था। अंबर ने सोचा कि सीढ़ी से नीचे उतरकर देखा जाए और फिर स्टीमर पर कब्जा करने की कोशिश की जाए। वो ये भी चाहता था कि सबसे पहले वायरलेस सेट को भी कब्जे में ले लेना चाहिए या तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि वायरलेस के जरिए दूसरे जहाजों को खतरे से आगाह किया जा सकता है। अंबर अभी नीचे उतरने के बारे में सोच रहा था कि नीचे से किसी के ऊपर आने की आवाज आई। अंबर मशीन पर डाली हुई तरपाल के पीछे हो गया। सीढ़ी के जंगले पर एक जापानी ने डेक पर आकर टहलना शुरू कर दिया। यही शायद पहरेदार था जो किसी काम से नीचे गया था और अब वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया था। अंबर इसकी हरकतों का जायजा लेने लगा। वो कुछ देर छोटे से डेक पर टहलता रहा, फिर जंगले पर झुककर नीचे समंदर के पानी को तकने लगा, फिर वहां से हटकर उधर आ गया जहां अंबर बैठा था। अरे, ये मुसीबत किस तरफ से आ रही है? अंबर ने सोचा। जापानी अंबर के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। अंबर और जापानी सिपाही के दरमियान सिर्फ तरपाल का पर्दा था। अंबर को जापानी सिपाही के सांस लेने की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी।
अंबर ने सोचा कि इस तरह तो जापानी सिपाही भी इसके सांस लेने की आवाज सुन लेगा। अंबर ने कुछ देर के लिए सांस रोक लिया। बदकिस्मती से एक काली बिल्ली म्याओ म्याओ करती नीचे से सीढ़ियों ऊपर चढ़कर आ गई। जापानी सिपाही ने इसे पुचकार कर अपने पास बुला लिया। बिल्ली म्याओ म्याओ करती जापानी के पाँव में आकर लूटने लगी। अचानक बिल्ली को किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास भी हुआ, इसने मुंह ऊपर उठाकर गर्दन चारों तरफ घुमाई, म्याओ किया और फिर उछलकर तट पार की दूसरी जानिब यानी कि जहां अंबर छुपा था आ गई। अब बिल्ली बिल्कुल अंबर के सामने खड़ी उसे तक रही थी और होले होले गुड़ाने लगी थी। ऐसे लगता था कि जैसे किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास हो गया है इसे। तोशी तोशी इधर आओ, जापानी सिपाही ने उसे आवाज दी। बिल्ली तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। अंबर परेशान सा हो गया। अब इसे चौकस रहने की जरूरत थी क्योंकि जापानी इस तरफ आ सकता था, आखिर वही युवा जिसका उसे डर था। बिल्ली जोर से गुड़राई। अब जापानी को भी खतरे का एहसास हुआ और जल्दी से उठा और तरपाल के दूसरी जानिब आकर बिल्ली को देखने लगा। मगर बिल्ली पर इसकी नजर बाद में गई, पहले इसकी नजर अंबर पर गई। वो ठटका हैरान सा हुआ और मशीन गन चलाने ही वाला था कि अंबर ने उछल कर उसकी गर्दन दबोच ली। बिल्ली गुर्राते हुए भाग गई। जापानी की लाश अंबर ने तरपाल के पीछे छुपा दी, फिर इसकी वर्दी उतारकर खुद पहनी। सर पर जापानी टोपी पहनकर उसका छज्जा नीचे झुका लिया कि कोई आसानी से पहचान ना ले। जापानी जुबान तो वो डुवानी से बोल ही लेता था। मशीन गन हाथ में लेकर अंबर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। नीचे उसे कोई इंसान दिखाई तो ना दिया। तंग सा रास्ता था जिसकी दोनों जानिब दो कैबन थे, उनके दरवाजे बंद पड़े थे। अंबर सीधा इंजन रूम की तरफ आ गया। यहाँ एक इंजीनियर इंजन के पैनल के सामने बैठा सो रहा था। अंबर ने उसको दबोच कर उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। जापानी इंजीनियर आंखें खोले उसे देखता रह गया। अंबर इंजन चलाना जानता था, अब वो सोचने लगा कि इंजन चलाए या नहीं, क्योंकि इंजन चलाने से वहां शोर पैदा हो सकता था, लेकिन अंबर इस सुनहरी मौके को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता था। इस वक्त सारे स्टीमर पर उसका कब्जा था, फिर वो क्या करे। फिर इसे ख्याल आया कि अगर वो कम रफ्तार पर इंजन को स्टार्ट कर दे तो इसकी आवाज दूर तक नहीं जा सकती। वैसे भी ये स्टीमर दूसरे स्टीमरों से जहाजों से काफी फासले पर था। अंबर ने इसी फैसले पर अमल किया। उसने इंजन की स्पीड को आखिरी नुक्ते पर लाकर बटन दबा दिया। बड़ी हल्की हल्की गुड़ट गुड़ट की आवाज आई और स्टीमर ने आहिस्ता आहिस्ता से चलना शुरू कर दिया। अंबर ने उसे दाएं तरफ मोड़ दिया और रात के अंधेरे में स्टीमर चलता हुआ समंदर के इस इलाके में आ गया जहां चट्टाने थी और एमनी वगैरह छुपे हुए थे। उन्होंने गांव में बैठे बैठे जब स्टीमर की धीमी धीमी आवाज सुनी तो वो भागकर गांव से बाहर आ गए। सचमुच एक छोटा सा स्टीमर समंदर में उनके सामने खड़ा था। अंबर ने इंजन बंद कर दिया। एमनी थॉमस और हवाबाज ने समंदर में छलांग लगा दी और तैरते हुए स्टीमर तक आ गए। उन्होंने डेक पर अंबर को देख लिया था। अंबर ने सीढ़ी लटका दी। ये सब के सब सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर डेक पर आ गए। हवाबाज ने अजीब नजरों से अंबर को देखते हुए कहा, अंबर तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई कमाल कर दिया। अंबर ने कहा, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, डेक पर जापानी हमें देख लेंगे। सब नीचे आ गए। यहाँ उन्होंने एक जापानी सिपाही को देखा जिसकी मशकें कसी हुई थी और मुंह पर कपड़ा ठुंसा हुआ था। एमनी ने पूछा, इसे यहाँ क्यों रखा है अंबर, इसे अभी समंदर में फेंकते हैं। जापानी सिपाही ने यह सुना तो उसकी आंखें फैल गई। अंबर ने स्टीमर का इंजन चला दिया था। अभी तक स्टीमर हल्की रफ्तार पर चला जा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेरे में साहिल से दूर हो रहे थे। खतरा उनके सरों पर मंडला रहा था। वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। सारा समंदर जापानियों के कब्जे में था। हवाबाज थॉमस और अंबर कंपास और नक्शा लेकर कैबिन में बैठे गौर कर रहे थे कि उन्हें किसी तरफ से स्टीमर को बचाकर ले जाना चाहिए। हवाबाज कह रहा था, रात थोड़ी सी बाकी है, अभी कोई दम में दिन चढ़ आएगा। हमें दिन चढ़ने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना होगा, वगरना सुबह की रोशनी में हम बड़ी आसानी से पकड़े जाएंगे। थॉमस ने कहा कि सवाल यह है कि हमें यहाँ से कितनी दूर जाने के बाद अपने आप को महफूज करना होगा, यही कोई 100 मील के फासले पर। लेकिन एक बात का ख्याल हमें हर वक्त रखना होगा कि इस जजीरे पर जापानियों का हवाई अड्डा भी है, जहां इनके 3-4 जहाज और एक हेलीकॉप्टर मौजूद है। उन्हें सुबह पता चल जाएगा कि स्टीमर गायब है, वो हेलीकॉप्टर के जरिए इसकी तलाश में निकलेंगे, चुनाचे वो समंदर में किसी मुकाम पर भी हमें आ लेंगे। अंबर ने कहा, तो फिर तो हम पर हर वक्त खतरा मंडला रहा है। बेशक जापानी बम्बार जहाज समेत जहाज समंदर में 100 मील के फासले पर भी आकर हम पर बम्बारी कर हमें तबाह कर सकते हैं। थॉमस ने कहा, चाहे कुछ भी हो हमें स्टीमर पर ही सफर करना होगा। एमनी ने कहा, हमको रफ्तार तेज कर देनी चाहिए, हम जितनी भी रफ्तार तेज कर लें सुबह होने तक इस जजीरे से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अंबर ने आखिर में कहा, जो होगा देखा जाएगा, मैं इंजन को पूरी रफ्तार पर छोड़ रहा हूँ। और इसने इंजन को पूरी रफ्तार पर कर दिया। स्टीमर समंदर के पानी को चीरता हुआ तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता जा रहा था। अब रात ढलना शुरू हो गई थी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। स्टीमर समंदर में आगे ही आगे बढ़ रहा था कि सूरज निकल आया। समंदर पर चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल गई।
अब खतरा ज्यादा हो गया था क्योंकि उनका स्टीमर दूरबीन के जरिए दूर से देखा जा सकता था। अम्मा ने कहा, हम जजीरे से ज्यादा दूर नहीं है, कम वक्त यहाँ से वो हमें देख सकते हैं। हवा बस दूरबीन लगाए पहले देख रहा था कहीं कोई जापानी स्टीमर उनका पीछा तो नहीं कर रहा। ऊपर आसमान पर भी कोई हवाई जहाज नहीं था। हवा बस को साहिल पर जापानियों के बैरी जहाज दूरबीन से साफ नजर आ रहे थे। उसने दूरबीन अंबर को देते हुए कहा, काश इसकी रफ्तार ज्यादा हो सकती। थॉमस ने कहा, अगर जापानी जहाज लेकर आ गए तो हम त्यारा शिकन गोलियों से इन्हें मार गिराएंगे। हवा बस बोला, थॉमस साहब, जापानियों की तोप से निकला हुआ एक ही गोला हमारे स्टीमर को समुद्र की तह में बिठा देगा। इधर की सुनिए, सुबह हुई तो जापानियों ने देखा कि एक स्टीमर गायब है। फौरन खतरे का अलार्म बज गया। उसी वक्त हेलीकॉप्टर उड़ा दिया गया। सबसे पहले हेलीकॉप्टर की आवाज एमनी ने सुनी, उसने शोर मचा दिया, जापानी आ गए। बंदा हुआ जापानी ये सुनकर बड़ा खुश हुआ क्योंकि अब वो आजाद हो जाएगा। हवा बाज अंबर और थॉमस ने एमनी की चीखों पर पुकार सुनी तो जल्दी से डेक पर आ गए। आसमान पर देखा तो दूर एक फौजी जापानी हेलीकॉप्टर उनकी तरफ बड़ा चला आ रहा था। जापानी आ गए, तोप का मुंह ऊपर कर दो। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए जापानियों ने भी स्टीमर को देख लिया था। उन्होंने रफ्तार तेज कर दी और स्टीमर के सर पर आकर वो चक्कर लगाए और तीन बम नीचे गिरा दे। खुशकिस्मती से एक भी बम स्टीमर पर ना गिरा। बम पानी में गिरे जहाँ हल्के हल्के धमाके हुए और पानी उछलकर स्टीमर के डेक पर आ गिरा। ये दस्ती बम था। हेलीकॉप्टर से स्टीमर पर फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों ने स्टीमर की छत के परखचे उड़ा दिए। एक मस्तूल गिर पड़ा, फर्श दो जगह से उखड़ गया। नीचे से हवाबाज ने त्यारा शिकन तोप चलानी शुरू कर दी। इस गन की लंबी गोलियां हेलीकॉप्टर के पेट में जाकर लगी और इसमें सुराख हो गया। हेलीकॉप्टर ऊपर को उड़ा, तोप में से गोलियों की एक बौछार ऊपर वो निकल कर हेलीकॉप्टर के पेट में दाएं पहलू पर लगी। इस जगह पेट्रोल की टैंकी थी, टैंकी फट गई और हेलीकॉप्टर को आग लग गई। हेलीकॉप्टर शोला बनकर समंदर में गिर पड़ा। एमली और थॉमस ने तालियां बजाई। बंधे हुए जापानियों का मुंह लटक गया। स्टीमर समंदर में चलता रहा, आकर हमने इसे मार गिराया, एमली ने खुश होकर कहा। अंबर बोला, वो फिर आएंगे और इस दफा वो हवाई जहाज लेकर आएंगे और इनके बम भी होंगे। शायद वो बम भी स्टीमर को अपने साथ ही समंदर के नीचे ले जाएं। इसीलिए हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए बल्कि सोचना चाहिए कि क्या करें। हवाबाज ने कहा, अंबर, हम सिवाय स्टीमर को समंदर में चलाए रखने के और क्या कर सकते हैं? ठीक है, स्टीमर चलता रहेगा और जहाज चलता रहा। लेकिन हेलीकॉप्टर के हादसे के कोई आध घंटे बाद ही नीले आसमान पर एक जापानी बमबार त्यारा गोता मार कर निकल गया। गुड़गुड़ाहट की जोरदार गरज सुनाई और अंबर ने डेक पर आकर हवाबाज से कहा, त्यारा शिकन तोप तैयार रखो, जापानी त्यारा दूसरी बम गिराएगा। और ऐसा ही हुआ। पहली बार जापानी जहाज ने झुककर गोता लगाया था और निशाना ना देखा था। अब वो दूर से गोता लगाकर आया और स्टीमर के ऊपर से गुजरते हुए बम गिराकर निकल गया। बम काफी बड़ा था मगर खुशकिस्मती से स्टीमर से काफी फासले पर जा गिरा था। समंदर में एक जबरदस्त धमाका हुआ था और पानी कई सौ फुट उछल कर रह गया था। स्टीमर झूलने लगा था। जापानी जहाज एक बार फिर आ रहा था। अंबर ने एमली और थॉमस को नीचे पहुंचा दिया। इसने चीख कर कहा, जिमी, तोप का मुंह ऊपर कर दो, जहाज आ रहा है, जाने ना पाए। जिमी हवाबाज बनने से पहले त्यारा शिकन तोप का कोर्स भी पूरा कर चुका था। उसका निशाना बड़ा दुरुस्त था। जापानी जहाज गोते में चला आ रहा था। जब वो स्टीमर के ऊपर से गुजरा था, हवाबाज जख्मी ने गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां सीधा जहाज के पड़ों पर जाकर लगी और पड़ों की टैंकी में आग लग गई। जापानी जहाज सीधा आग का शोला बनकर समंदर में गर्क हो गया। एमली, हवाबाज और जिमी और थॉमस बड़े खुश हुए। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि कम से कम ये बला तो दूर हुई, बाकी जो होगा इससे भी निमटने की कोशिश की जाएगी। जापानी बमबार जहाज को गिरा लेना एक बड़ा कारनामा था, मगर ना उसका एक बम स्टीमर पर पड़ जाता तो स्टीमर के इन सब लोगों पर पड़खचे उठ जाते। अब उनका स्टीमर काफी दूर खुले समंदर में निकल आया था। जजीरा बहुत पीछे रह गया था। अंबर ने हवाबाज से अपने इस ख्याल को जाहिर किया कि शायद जापानी अब ताकुब ना करे क्योंकि वो छोटे स्टीमर के लिए पहले ही एक हेलीकॉप्टर और एक जहाज की कुर्बानी दे चुके हैं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है लेकिन जापानी जापानी होते हैं, तुम इनकी फितरत से वाकिफ नहीं हो। वो एक स्टीमर के लिए अपनी सारी नेवी तबाह कर सकते हैं मगर इस स्टीमर को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो अपनी मर्जी से छोड़ देंगे तो अलग बात है। आदमखोर,
जजीरा बहुत दूर रह गया था। अंबर, जिमी और थॉमस कैबन में नक्शा लेकर बैठे थे। एमली किचन में खाना तैयार कर रही थी। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि उनके पास स्टीमर में एक हफ्ते भर की खुराक मौजूद है, यानी अगर वो दिन में एक बार खाना खाएं और सुबह शाम दो दो बिस्किट और पानी पर गुजारा करें तो 14 दिन भी निकाले जा सकते थे। चुनाचा उन्होंने यही फैसला किया कि वो दिन में सिर्फ एक बार यानी दोपहर को खाना खाएंगे। पानी के दो बड़े ड्रम पड़े थे। ये पानी बड़ी आसानी से 10-15 दिन तक काम दे सकता था। एमली खाना लेकर आई तो वो लोग नक्शे पर झुके हुए थे। अंबर कह रहा था, हम सिवाय ऑस्ट्रेलिया के और कहीं नहीं जा सकते, वही एक मुल्क है जहां हमें पनाह मिल सकती है। हवाबाज ने कहा, हमारा एक प्यारा ब्रदर जंगी जहाज इस समंदर में फिर रहा है। अफसोस कि इस स्टीमर में वायरलेस सेट नहीं है, वरना हम जहाज से मिलाप कर सकते थे। इसी जहाज से मैं अपना त्यारा लेकर उड़ा था, थॉमस ने कहा। कमबख्त इस स्टीमर पर वायरलेस सेट कौन उठाकर ले गया, अंबर बोला। अब ये हमारी बदकिस्मती थी कि इस स्टीमर का वायरलेस सेट मरम्मत होने के लिए गया हुआ था। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक वो जापानी सिपाही अंदर दाखिल हुआ, जिसकी मशकें कसकर उन्होंने कैबिन में डाल रखा था। इस जापानी ने किसी तरह से अपनी मशकें खोल ली थी और पतलून के अंदर छुपाया हुआ खुफिया पिस्तौल निकालकर हाथ में थाम लिया था। हैंड्स अप, जापानी ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। अंबर ने खालिस जापानी जुबान में कहा, तुम अपनी मौत को आवाज दे रहे हो, तुम हम में से ज्यादा एक आदमी को हलाक कर सकोगे, बाकी तुम पर काबू पा लेंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जापानी सिपाही ने चौंककर अंबर की तरफ देखा। तुम जापानी जानते हो? कैसे, मैं सारी जुबानें जानता हूँ। बहरहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि बस तोड़ मेरे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमारे कैदी हो। जापानी ने गुर्राकर कहा कि तुम जलील दुश्मन हो, मैं खुद भी मर जाऊंगा मगर तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें से एक को मार कर मरूंगा। अंबर जापानी के सामने आ गया, तो फिर ये लो मुझे हलाक कर दो। अंबर जापानी की तरफ बढ़ता चला गया। जापानी पीछे हटा। रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगा, अंबर ने कहा। मारो गोली, मारते क्यों नहीं जलील बुजदिल कमीने। अंबर दरअसल जापानी को ताव दिला रहा था और यही हुआ। जापानी ने गुस्सा खाकर पिस्तौल का फायर कर दिया। हवाबाज जिमी ने छलांग लगाकर जापानी को दबोच लिया और पिस्तौल छीन लिया। फिर वो परेशानी के आलम में अंबर की तरफ लपका। काश अंबर तुम अपनी जान हम पर कुर्बान न करते। आह, तुम ये क्या कर दिया तुमने, क्योंकि हवाबाज जख्मी की आंखों के सामने जापानी के पिस्तौल से निकली हुई गोली अंबर के सीने में लगी थी। अब जो देखा तो अंबर उसके सामने बड़े सुकून से खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर उसने झुककर फर्श पर गिरी हुई वो गोली उठाई जो इसके सीने पर लगी थी और फिर नीचे गिर पड़ी थी। हवाबाज जिमी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अगरचे एमली और थॉमस को हैरानी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले वो अंबर का ये करिश्मा देख चुके थे। हवाबाज जिमी ने जापानी को कुर्सी के साथ बांध दिया। जापानी भी अंबर को ताज्जुब के साथ ताक रहा था कि इस पर गोली का असर क्यों नहीं हुआ। हवाबाज जिमी अंबर के करीब आ गया। उसने अंबर के सीने पर जगह देखी जहाँ गोली लगी थी। वहां यूं लगता था जैसे कभी कोई गोली लगी ही नहीं थी, बस कमीज पर हल्का सा धब्बे का निशान था। ये कैसे हो सकता है, अंबर ने कहा। कभी कभी हो जाया करता है, इस जापानी को समंदर में फेंक दो, ये दोबारा हमला करेगा और जरूरी नहीं कि हर बार ही इसकी गोली का निशाना बनो। हवाबाज ने जापानी को कुर्सी समेत उठाकर समंदर में फेंक दिया। स्टीमर खासी रफ्तार के साथ बहता चला जा रहा था। दोपहर का खाना खाने के बाद हवाबाज जिमी ने अंबर से इधर उधर की बातें शुरू कर दी और फिर पूछा, अंबर मुझे जरूर बताओ कि ये कैसे हो गया कि तुम्हें कोई गोली नहीं लगी, क्या तुम अपने सीने में कोई लोहे की चादर छुपा रखी थी। अंबर मुस्कुराया, हाँ मैंने लोहे की चादर सीने के साथ बांध रखी थी। हवाबाज ने कहा, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं था, मैंने खुद देखा था तुम्हारी कमीज के अंदर कुछ भी नहीं था, क्या तुम मुझ पर ये राज अफशा नहीं करोगे। अंबर ने कहा, ये एक राज है जिमी, गहरा राज, मैं तुम पर इसे हरगिज नहीं खोल सकता, बेहतर यही है कि आइंदा इस सिलसिले में मुझसे कोई सवाल ना करना। हवाबाज जख्मी खामोश हो गया। रात आ गई, समंदर पर पुरसुकून था। स्टीमर में तेल उन्होंने चेक कर लिया था, तेल ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और चल सकता था। इन्हें सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि जब तेल खत्म हो गया तो फिर वो क्या करेंगे। जाहिर है फिर स्टीमर समंदर में लहरों के रहमो करम पर होगा, लहरें इसे वापस भी ले जा सकती हैं। दिन निकल आया, चारों तरफ पानी ही पानी था। नक्शे के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक जा रहे थे। दूसरा दिन भी गुजर गया, तेल खत्म होने का गम बराबर रहा था। तीसरा दिन गुजरने लगा। वो डेक पर खड़े होकर दूर दूर तक निगाह दौड़ाते रहे कि शायद कोई जहाज नजर आ जाए। हवाबाज जिमी को उम्मीद थी कि अमेरिका का त्यारा ब्रदर जंगली जहाज इन समुद्रों में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा।
क्योंकि वो इसी समंदर में गश्त लगा रहा था। सारा दिन गुजर गया, ना जमीन का किनारा दिखाई दिया, ना कोई बैरी जंगी जहाज ही नजर आया। शाम के वक्त स्टीमर के इंजन के झटके खाने शुरू कर दिए। जिमी, थॉमस और एम्बर ने एक दूसरे की तरफ परेशानी से देखा। सबके चेहरे पर एक ही ख्याल था कि तेल खत्म हो रहा है, और वो इंजन के पास गए, टैंकी खोलकर देखा। तेल सिर्फ इतना रह गया था कि वो समंदर में ज्यादा से ज्यादा 6-7 मील तक जा सकते थे, और वही हुआ। 7वें मील पर जाकर स्टीमर ने गुड़ाप गुड़ाप की और 2-3 आवाजें निकाली, और इसका इंजन बंद हो गया। इंजन के बंद होते ही स्टीमर खड़ा हो गया और समंदर की लहरों पर डोलने लगा। ये तो एक ना एक दिन होना ही था, इसका अफसोस करना फजूल है, हवाबाज जिमी ने कहा। थॉमस बोला, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सवाल यह है कि अब क्या होगा। इस स्टीमर पर अब हमारा इख्तियार नहीं, इस पर अब समंदर की लहरें हुकूमत करेंगी। ये जिस तरफ चाहे जाएगा, हमें इसके साथ जाना पड़ेगा। अगर हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहें तो नहीं चला सकेंगे। एमली बहुत गमजदा थी, उसने आह भरकर कहा, कहीं ये समंदर हमें अपने अंदर गुम तो नहीं कर लेगा। थॉमस ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, दिल हल्का ना करो एमली, अगर खुदा ने हमारी जिंदगी अभी लिखी है तो ये समंदर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिमी ने दूरबीन लगाकर समंदर में चारों तरफ निगाह दुराई, फिर उसने सर को 2-3 बार नाउमीदी से हिलाकर दूरबीन अंबर को थमा दी। अंबर ने दूरबीन लगाकर देखा, चारों तरफ पानी ही पानी था, उम्मीद की कोई किरण किसी जगह नजर नहीं आती थी। रात का खाना तो वो कई रोज से नहीं खा रहे थे। एमली ने बगैर दूध के चाय बनाई, 2-2 बिस्किट हारे के लिए प्लेट में रखे और मेज पर लाकर रख दिए। चारों ने मिलकर बड़ी बेदिली से चाय पी और बिस्किट खाए। स्टीमर समंदर में लहरों पर एक तरफ बहता चला जा रहा था। जिमी ने कंपास यानी के कुतुबे नुमा जैकेट की जेब से निकाल कर देखा और कहा, हम असली रास्ते से हट गए हैं, इस वक्त हम कुतुबे शुमाली से 3 डिग्री नीचे की तरफ जा रहे हैं। थॉमस ने सर खुजाता हुए कहा, भाई चाहे जितनी डिग्री नीचे हो जाए, हम तो अब इन लहरों के नहमो करम पर हैं, ये जिधर ले जाए इधर ही जाना पड़ेगा। दुआ करो ये हमें वापस जापानियों के जजीरे में ना ले जाए। जिमी बोला, इधर ये स्टीमर नहीं जा रहा, कम अज कम मेरा कुतुब नुमा तो यही कह रहा है। कुछ देर डेक पर बैठा समुद्री हवाओं में जमीन की खुशबू सूंघने में नाकाम कोशिश करता रहा, फिर वो नीचे आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। स्टीमर लहरों पर जो कोले खा रहा था, जिसकी वजह से अम्मी की तबीयत खराब हो रही थी। रात आधी गुजर गई होगी कि अंबर कैबिन से निकलकर ऊपर डेक पर आ गया। दूरबीन उसके पास थी, उसने रात को दूरबीन में से देखने की कोशिश की, उसे कुछ नजर ना आया। दूरबीन उसने गले में लटकाई और झुककर समंदर में तकने लगा। लहरें स्टीमर को एक तरफ झुकाए बहाए लिए जा रही थी। अमर को इस वक्त नाग और मारिया का ख्याल आ गया, वो उन्हें याद करके उदास हो गया। नाग कहाँ होगी और मारिया कहाँ हो गई, कम वक्त मैं किन लोगों में आकर फंस गया हूँ, अब इनको अकेला छोड़ भी नहीं सकता, ये तो मर जाएंगे। यही सोचते सोचते अंबर नीचे आ गया। एमली की तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, अंबर ने उसे एक दवाई पिलाई जिसके बाद उसे नींद आ गई और वो सो गई। समंदर में इनको सफर करते 10 रोज हो गए थे। आसमान पर बादल आ गए और बारिश होने लगे। उन्होंने पानी के खाली ड्रम लाकर डेक पर रख दिए। मौसलाधार बारिश ने ड्रम भर दिए, वो इन्हें उठाकर नीचे ले गए। रात को तेज हवाएं चलने लगी, जिनकी वजह से स्टीमर ने जो कोले खाने शुरू कर दिए। थॉमस ने कहा, लंगर फेंक दो, रूलिंग खत्म हो जाएगी। अंबर ने कहा, यहाँ समंदर बड़ा गहरा है, लंगर किसी जगह ना नहीं अटक सकेगा। सारी रात तूफान शोर मचाता रहा, दिन चढ़ा तो तूफान थम चुका था। दिन की रोशनी में उन्होंने देखा कि दूर एक काली लकीर नजर आ रही है। जिमी ने खुश होकर चिल्लाकर कहा, जमीन आ गई, वो देखो सामने काली लकीर। अंबर, थॉमस और एमली ने भी शौक से इस काली लकीर को देखा। अंबर बोला, क्या मालूम ये दुश्मन का जजीरा है या दोस्त का। थॉमस ने कहा, नक्शे पर इस जजीरे का कहीं नामो निशान नहीं, खुदा जाने ये जजीरा मोंगे का है या चट्टाने एक दूसरे के साथ साथ समंदर से सर निकाले खड़ी हैं। हवाबाज जिमी कहने लगा, दोपहर तक हम इस काली लकीर के पास पहुंच जाएंगे। दोपहर के वक्त लकीर काफी साफ हो गई थी। स्टीमर को लहरें इस जजीरे की तरफ बड़ी तेजी से बहा लिए जा रही थी। अब उन्हें सबसे बड़ा खतरा ये था कि स्टीमर साहिल की चट्टानों से टकरा कर तबाह हो जाएगा। स्याह लकीर अब दरख्तों में तब्दील हो गई थी, ये किसी जजीरे के दरख्त थे जो किनारे किनारे दूर तक चले गए थे। चट्टाने दूर पड़े रह गई थीं। स्टीमर साहिल के साथ साथ उगी हुई ऊंची ऊंची दरदरी झाड़ियों में जाकर रुक गया था, वो जरा टेढ़ा हो गया था। अंबर ने कहा, नीचे उतरने से पहले इत्मीनान कर लेना होगा कि इस जजीरे पर कौन लोग रहते हैं। जिमी ने कहा, यह किस तरह से मालूम किया जाएगा, मुझे तो इसका वीरान साहिल देखकर यकीन सा हो रहा है कि यहाँ कोई इंसान आबाद नहीं है। थॉमस बोला, अरे इतना जरखेज और दरख्तों से बड़ा हुआ जजीरा कभी बेआबाद नहीं हो सकता, यहाँ आदमी जरूर रहते होंगे, चाहे वो आदमखोरी क्यों ना हो। आदमखोर, एमली ने चीख मारकर कहा। जिमी ने हाथ हिलाकर कहा, एमली बहन परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इन इलाकों में आदमखोरों का कहीं नामो निशान तक नहीं, बेफिक्र हो।
एमली ने सैम कर कहा, आदमखोरों का कोई पता नहीं होता, मैंने पढ़ रखा है कि वो इस किस्म के जजीरों पर होते हैं। अंबर ने कहा, किस किस्म के जजीरों पर? एमली ने डरते डरते कहा, इस किस्म के जजीरों पर के जहाँ समुद्री तूफान के बाद जहाज किनारे पर लगता है और वहाँ आदमखोर निकल कर उन्हें हड़प कर जाते हैं। जिमी ने कहका लगाकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। थॉमस को इस वक्त जिमी का कहका बड़ा नागवार गुजरा था। अंबर ने भी महसूस किया कि इस वक्त जिमी को खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए था, इन बेचारों की जान पर बनी थी और वो कहके लगा रहा था। लेकिन बाद में जिमी ने बताया कि वो कहके लगाकर नफसियाती तौर पर इनके सर का बोझ हल्का कर रहा था। अंबर ने कहा, हमारा स्टीमर इसी जगह रहेगा, आप लोग भी यहीं ठहरे, मैं जजीरे में जाकर मालूम करता हूँ कि यहाँ कौन लोग रहते हैं। खबरदार कोई शख्स स्टीमर से उतरने की कोशिश ना करे, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अंबर सीढ़ी से उतरकर नीचे झाड़ियों की दलदल में से गुजरता हुआ साले समंदर पर आ गया। जिमी का ख्याल ठीक था, समंदर का किनारा बिल्कुल वीरान था, कहीं कोई चूहा तक नजर नहीं आ रहा था। जहां समंदर खत्म होता था वहां से रेतीला जैसा इलाका शुरू होता था जो कुछ दूर तक चला गया था। आगे दरख्तों की कतारें थी और फिर घना जंगल। अंबर भागकर रेतीले साल से गुजर गया। इस ख्याल से अगर जजीरे पर दुश्मन ने अपनी चौकी बना रखी है तो इसकी नजर ना पड़ जाए। दरख्तों के नीचे आकर अंबर कुछ देर के लिए रुक गया। उसने दाएं बाएं देखा, बड़ी खामोशी थी, दरख्तों पर कोई परिंदा भी नहीं था। जंगल में बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, झाड़ियां जगह जगह उगी थी, फूलों वाली बेलें दरख्तों के ऊपर चढ़ गई थी। या खुदा, इस जजीरे में कोई आबाद भी है कि नहीं, अंबर दिल में यह सोचता हुआ जंगल के किनारे किनारे चल रहा था। जंगल आगे जाकर साफ होता गया। अब एक छोटा सा मैदान नजर आया जिसके इर्द गिर्द घने दरख्त थे। वहां कुछ झोंपड़े बने थे मगर वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अंबर एक दरख्त के पीछे छुपा खड़ा था। उसने सोचा, जरूर ये यहाँ के जंगली लोग हैं। वो दूसरी तरफ से होता हुआ आगे निकल गया। कुछ दूर जाने पर उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज किसी जानवर की थी। अंबर ने कान लगाकर दोबारा आवाज सुनने की कोशिश की मगर आवाज फिर सुनाई ना दी। अंबर जजीरे की दूसरी तरफ निकल आया। यहाँ सामने समंदर नजर आने लगा था। किनारे किनारे नारियल के दरख्तों के झुंड फैले थे। अंबर समझ गया कि यहाँ दुश्मन का कोई अड्डा नहीं है, सिर्फ जंगली किस्म के लोग रहते हैं जो शिकार और जंगली फल पर गुजारा करते हैं। वो समंदर के साथ साथ वापस इस मुकाम की तरफ चलने लगा जहाँ स्टीमर खड़ा था। अचानक उसे आसमान पर धुआं सा उठता नजर आया। ये धुआं कैसा है? शायद किसी जंगली ने आग जला दी है, मगर धुआं ठीक इस जगह से उठ रहा था जहाँ उनका स्टीमर खड़ा था। अंबर का माथा ठंड का, वो डरने लगा। मालूम करना चाहता था कि असल बात क्या है, कई जंगली लोगों ने इनके स्टीमर को आग तो नहीं लगा दी? और ऐसा ही हुआ था, यानी जब वो करीब गया तो देखा कि इनका स्टीमर समंदर किनारे दरादर जल रहा है। अंबर भागकर उस जगह पहुंचा जहां उसने जिमी, थॉमस और एमली को छोड़ा था। तीनों वहां से गायब थे। या खुदा, ये लोग कहाँ चले गए? कहीं इन्हें जंगली तो नहीं उठाकर ले गए? मगर जंगली लोगों को क्या जरूरत पड़ी है इंसानों को उठाने की? कहीं ये जंगली आदमखोर तो नहीं? अंबर इस ख्याल से कांप उठा। अगर ऐसी बात है ये तो बड़ी भयानक बात हो गई है। थॉमस, एमली और जिमी को आदमखोरों से कोई कौन बचा सकेगा? अंबर ने झुककर रेत पर कदमों के निशान देखे। यहाँ बहुत से इंसानों के नंगे पांव के निशान थे। स्टीमर जलकर राख हो चुका था, अब सिर्फ उसके बचे कुचे टुकड़ों से धुआं निकल रहा था। अंबर कदमों के निशान पर चल पड़ा। ये निशान जंगल में चले गए थे। अंबर कदमों के निशान का सुराग लेता जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में घास की वजह से अंबर जमीन पर पांव के निशान पहचान ना सकता था, फिर भी वो अंदाजे के मुताबिक चलता रहा। उसका रुख इस मैदान की जानिब था जहाँ दरख्तों की घनी छांव में उसने कुछ झोंपड़े देखे। अंबर का ख्याल था कि जरूर आदमखोर वैशी उसके साथियों को इन्हें झोंपड़ों में लेकर गए हैं। चलते चलते जब वो झोंपड़ियों के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कोई भी नहीं है, जगह वैसी ही वीरान थी। अंबर ने झोंपड़ियों के अंदर जाकर देखा, सारे झोंपड़े खाली थे, कहीं कहीं मिट्टी के मटके पड़े थे या जमीन पर घास की चटाई बिछी थी। वो झोंपड़ों के बाहर आकर जमीन को देखने लगा। यहाँ जमीन पर भी किसी जगह पांव का निशान ना था। अंबर झोंपड़ों के पीछे से होकर जंगल में आ गया। वो सारा दिन जंगल में खाक छानता रहा, इसे किसी जगह भी अपने साथियों का सुराग ना मिला। बड़ा परेशान हुआ। शाम हो गई, जंगल में अंधेरा फैल गया, वहां वो रह नहीं सकता था। जंगल के बाहर समंदर के किनारे एक एक जगह रेत पर लेट गया और आसमान पर फैले सितारों को देखकर मारिया और नाग के बारे में सोचने लगा। वो लोग इस वक्त कहाँ होंगे? उधर जिमी, थॉमस और एमी के साथ ऐसा हुआ कि अंबर के जाने के बाद हवाबाज जिमी ने गैर जिम्मेदारी से काम लेते हुए ऊंची ऊंची आवाज में बातें करना शुरू कर दी। हालांकि अंबर ने उन्हें ऊंची आवाज में बोलने से मना किया था, लेकिन जिमी ने एहतियात ना की। उसकी आवाज एक जंगली ने सुनी जो इत्तेफाक से जंगल के इस इलाके में से गुजर रहा था। वो रुक गया और जजीरे पर एक इंसान की आवाज कहाँ से आ रही है ये देखने लगा। उसने झाड़ियों में जाकर देखा तो हैरान रह गया। सामने समंदर में एक स्टीमर खड़ा था। दो आदमी और एक औरत उसके करीब खड़े बातें कर रहे थे। वो भागकर अपने सरदार के पास गया और सारी कहानी सुना डाली। थोड़ी देर बाद ही
जंगली आदमियों ने छुपकर इस जगह को घेरे में ले लिया। जिमी थॉमस और एमिली बड़े मजे से स्टीमर के करीब खड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे के सन से एक तीर आया और जिमी के सीने में खुब गया। वो लड़खड़ाकर गिरा और मर गया। उसके साथ ही जंगली भागकर सामने आ गए। उन्होंने थॉमस एमिली के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें रस्सियों से बांधा और अपने साथ ले गए। जिमी की लाश को उन्होंने कई टुकड़े किए और आपस में बांट दिए। थॉमस और एमिली का दहशत के मारे बुरा हाल था। एमिली तो बेहोश हो गई थी। जंगली आदमखोरों ने जिमी की लाश के टुकड़े को तो भून कर खा लिया और थॉमस और एमिली को जंगल में ले जाकर एक जगह कैद कर लिया। अंबर ने रात बेचैनी से गुजारी। सुबह सुबह सूरज की हल्की रोशनी के साथ ही वो उठा और जंगल में एक बार फिर अपने साथियों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो जजीरे के इस इलाके की तरफ आ गया जहां वो पहले नहीं आया था। उधर चट्टाने और छोटे छोटे टेले थे। इन टेलों के दरमियान समंदर का पानी आता और फिर वापस चला जाता था। अंबर जरा आगे गया तो एक चट्टान के साए में आग जल रही थी और दो वैशी बैठे कुछ खा रहे थे। अंबर छुपकर उन्हें देखने लगा। वो आपस में जंगली जुबान में बातें कर रहे थे। चूंकि अंबर हर जुबान समझ लेता था इसीलिए उसने कान खड़े कर वैशियों की बातें सुनने की कोशिश की। एक वैशी कह रहा था सरदार इस औरत से शादी कर रहा है। दूसरा बोला दूसरे आदमी को मारकर शादी दावत में पकाया जाएगा। पहला वैशी बोला औरत खूबसूरत है, काश सरदार इसे भी हला करके खा जाने का हुक्म देता। इसका सफेद सफेद गोश्त बड़ा लजीज होगा। भाई इस औरत का साथी भी तो घोड़ा है, इसका गोश्त भी शादी वाले दिन मजे से खाएंगे। जिस साथी को हमने तीन मार का हला किया था उसका गोश्त जरा सख्त था। सरदार किस रोज शादी कर रहा है? शायद कल। आज रात औरत के साथी को हला करके उसके गोश्त को नमक लगाकर रख दिया जाएगा ताकि दूसरे रोज वो खस्ता हो जाए। अंबर ये बातें सुनकर कांप उठा। तो क्या ये लोग सचमुच आदमखोर हैं? क्या उन्होंने एक आदमी को हला कर हड़प कर लिया है? वो कौन था, जिमी या थॉमस? एमिली से सरदार शादी कर रहा था। अंबर परेशान हो गया। अब ये मालूम करना था कि ये लोग किस जगह पर कैद हैं। अंबर ने दोनों आदमखोरों की बातें सुनी और ये पता करने की कोशिश की कि उसके साथी किस जगह पर कैद है, मगर उनकी बातों से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आखिर वो आग बुझाकर उठे और जंगल में एक तरफ चल पड़े। अंबर पीछे पीछे रहकर उनका ताकुब शुरू कर दिया। यहाँ जंगल बड़ा पेचीदा था मगर जंगल में पगडंडी बनी हुई थी। मालूम होता था कि आदमखोर इस पगडंडी पर से अक्सर आते जाते रहते हैं। दिन का वक्त था, सूरज निकला हुआ था, मगर घने जंगल की वजह से सूरज की रोशनी बहुत कम इस जगह आ रही थी। अचानक चलते चलते एक वैशी रुक गया। उसने पलट कर देखा। अंबर जल्दी से एक जगह छुप गया। दूसरे ने पूछा क्या बात है? पहला वैशी तूतने सुखेर कर फिजा में सांस भर कर बोला मुझे किसी अजनबी इंसान की बू आ रही है। दूसरा वैशी अंसा अरे इन इंसानों की बू आ रही होगी जिन्हें सरदार ने कैद करके रखा है, चलो चलकर इनका हाल मालूम करते हैं। दूसरा वैशी सर को झटक कर चलने लगा। अंबर ने सोचा देखो इस कमबख्त वैशी आदमखोर की हिस कितनी तेज है कि इतनी दूर से घने जंगल में उसने अंबर की बू सूंघ ली। अंबर ने दोबारा से ताकुब शुरू कर दिया मगर अब वो बड़ी एहतियात से चल रहा था। चलते चलते वो दोनों वैशी एक टेले के दामन में आ गए। अंबर ने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ी झोंपड़ी बनी हुई है, जरूर इस कबीले का सरदार रहता होगा यहाँ पर। दोनों वैशी चुप कर झोंपड़ी में दाखिल हो गए। फिर भी किसी तरफ से तीन वैशी और आए, वो भी झोंपड़ी में चले गए। एक जानिब से दो औरतें आईं, उनके साथ एमिली भी थी। अंबर ठटक गया। एमिली के दोनों हाथ पीठ पर ले जाकर रस्सी से कसकर बांध दिए गए थे। उसका रंग जर्द हो रहा था और वो खौफ के मारे कांप रही थी। पीछे पीछे चार वैशी हाथों में नेजे लिए पहरा देते चले आ रहे थे। एमिली को भी झोंपड़ी में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद इसे बाहर निकाला गया। औरतें उसे लेकर जंगल में एक तरफ चले गई। अंबर समझ गया कि एमिली को जंगल में किसी जगह कैद रखा हुआ है। इस तरह के खावंत थॉमस को भी कैद कर रखा होगा, मगर सवाल यह था कि इन दोनों मर्दों में कौन मरा था, जिमी या थॉमस? बस यही एक सवाल था जो इसे परेशान कर रहा था। अंबर वापस चला गया। उसने सारा दिन जंगल में एक टेले के साए में गुजारा। वो चाहता था कि रात का अंधेरा फैल जाए तो अपनी मेहनत शुरू करे। आकर खुदा खुदा कर शाम हुई। फिर रात का अंधेरा जंगल में चारों तरफ फैल गया। अंबर छुप छुप कर चलता हुआ जंगल के इस इलाके में आ गया जहां उसके ख्याल के मुताबिक एमिली वगैरह कैद थे। उसने अंधेरे में एक रोशनी को देखा। वो इस रोशनी की तरफ चलने लगा। जंगल में ये रोशनी आगे जाकर एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोंपड़ी के अंदर से आ रही थी, शायद जहां कोई मिट्टी का दिया रोशन था। जरूर एमिली इसी जगह कैद है। अंबर झाड़ियों में से होकर झोंपड़ी के पीछे आ गया और बड़ी एहतियात से उस तरफ चल दिया कि चलने से पत्तों की कुरकुराहट ना हो। लेकिन झोंपड़ी के बाहर पहरा देने वाले जंगली वैशी भी जंगल के रहने वाले थे। वो दूर से हर किस्म की आवाज सुन लेते थे। एक वैशी ने कुरकुराहट की आवाज सुनी तो दूसरे ने कहा शायद कोई जंगली दरिंदा आ रहा है, तुम यही ठहरो मैं इसे मारता हूँ। पहला वैशी पहरा देता रहा, दूसरा उधर बढ़ा जिधर से अंबर झाड़ियों में छुपकर आ रहा था।
अंबर ने वैशी को झुक कर आते देख लिया, वो भी चुकन्ना हो गया। उसने अपने जिस्म की सारी ताकत को एक जगह जमा कर लिया, वो पीछे हो गया ताकि वैशी आगे आ जाए। जो ही वैशी अंबर के करीब से गुजरने लगा, अंबर ने यकदम से जारियों से निकलकर वैशी की गर्दन पर ऐसा हाथ मारा कि उसका मन का टूट गया और बगैर आवाज पैदा किया वो गिरा और मर गया। अंबर झोंपड़े की तरफ खिसकने लगा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि सरदार के हुक्म से एमी को इसी झोंपड़े में रखा गया है। पास जाकर मालूम हुआ कि झोंपड़ा छोटा सा है और उसके एक सुराख में से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है। ये सुराख दिए का धुआं बाहर निकालने के लिए रखा गया था। अंबर झोंपड़े के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि उसका पांव एक दर्द के गिरे हुए तने से टकरा गया। कटाक की आवाज पैदा हुई और वैशी पहरेदार नेजा लेकर उधर को दौड़ा। अंबर पहले ही तैयार खड़ा था। वैशी ने अंबर को सामने देखा तो चीख मारने ही वाला था कि अंबर ने उछलकर उसकी गर्दन दबोच ली। थोड़ी देर बाद वैशी बेहोश होकर जमीन पर जा पड़ा। अंबर ने लाश का मुंह छोड़ा और तेजी के साथ झोंपड़े में दाखिल हो गया। क्या देखता है कि दिए की जर्द रोशनी में अमली एक जगह जमीन पर बैठी है। उसके पैर से रस्सी बंधे हैं, उसके पांव रस्सी से बंधे हैं, बाल खुले हैं, लिबास बेहद मैला कुचाला हो रहा है। इसने अंबर को देखा तो रो पड़ी। ये क्या हो गया अंबर भाई, अंबर ने जल्दी से कहा, थॉमस कहाँ है? उसने इससे आगे वो पूछ ना सका। एमी ने कहा इन आदमखोरों ने अलग कैद कर रखा है उसे, जिमी को ये लोग मारकर खा गए हैं। खुदा जाने मेरे साथ और मेरे खावंत के साथ क्या सलूक करेंगे। ये आदमखोर है अंबर, आदमखोर। अंबर ने एमी को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करो एमी, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाने आया हूँ। जिमी का मुझे बेहद अफसोस है, मगर उसने बड़ी गैर जिम्मेदारी से काम लिया था। बहरहाल घबराने की बात नहीं, मैं आ गया हूँ। ये लोग तुम्हारा ब्याह सरदार से कर रहे हैं। मेरा ब्याह? एमी ने हैरानी से कहा। मेरा ब्याह तो हो चुका है, अंबर बोला। ये लोग इसकी परवाह नहीं करते। कल रात सरदार से तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे खावंत के गोश्त को भून कर मेहमानों में तकसीम किया जाएगा। एमी ने सर पकड़ लिया। या खुदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अंबर बोला, मैंने खुद इनकी बातें सुनी है। एमली ने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? बाहर तो जबरदस्त पहरा लगा था, पहरेदार कहेंगे। अंबर बोला, मैंने इन दोनों को खत्म कर दिया है, चलो मेरे साथ, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मगर अंबर, मैं अपने खावंत को साथ दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। खामोश एमली, बच्ची ना बनो, होश संभालो, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं तुम्हारे खावंत को भी इन लोगों के चंगुल से निकाल लाऊंगा। चलो उठो यहाँ से, भाग चलो। अंबर ने एमली को साथ दिया और जंगल में से होकर बाहर समुद्र के किनारे आ गया। यहाँ उसने एमली को एक खो में छुपा दिया और खुद आधी रात के वक्त थॉमस की खबर लेने निकल गया। वो फिर सरदार के झोंपड़े के पास पहुंचा। वहां गहरी खामोशी थी, कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। वैशी जलाद। अभी अंबर सरदार के झोंपड़े के पास ही पहुंचा था कि अचानक चीख की आवाज बुलंद हुई। यह किसी औरत की नहीं बल्कि किसी वैशी की चीख थी, जिसने अंबर को देख लिया था। उसके साथ ही तीर आकर अंबर की गर्दन से टकरा कर निकल गया। चीख की आवाज पर सारे वैशी होशियार हो गए। उन्होंने अंबर को चारों तरफ से घेर लिया। अंबर ने मुकाबला ना किया। अब वो चाहता था कि गिरफ्तार होकर इन लोगों पर अपनी करामत जाहिर करे और फिर थॉमस को चुरा ले। वैशी अंबर को पकड़कर सरदार के झोंपड़े में ले गए। काला मोटा बदसूरत सरदार था, जिसका पेट बाहर को निकला हुआ था, गले में हड्डियों का हार था, हाथ में तलवार थी। उसने लाल आंखों से अंबर को देखा और गरज कर कहा, ये जरूर इस औरत का साथी है, इसे भी पकड़कर कैद कर लो। इतने में किसी ने आकर बताया कि औरत झोंपड़े से गायब है। बस फिर गया था, सरदार गजबनाक हो गया। उसने हुक्म दिया कि सारे जजीरे को कंगाल डाला जाए और वो औरत जहां कहीं भी छुपी हो इसे पकड़कर लाया जाए। वैशी शोर मचाते हैं, नेजे लहराते जंगल में फैल गए। अंबर को एक झोंपड़े में बंद कर दिया गया। सरदार अपने झोंपड़े में अपने वजीर के साथ बेचैनी से टहल रहा था। वजीर ने भी गले में हड्डियों का हार डाल रखा था। उसने कहा, हजूर, औरत को जरूर इसी शख्स ने बकाया है। सरदार ने कहा, दूसरा साथी तो नहीं भागा? वजीर बोला, नहीं हजूर, वो झोंपड़े में कैद है। सरदार बोला कि अगर औरत ना मिली तो मैं कबीले के सारे बूढ़ों को हला करके खा जाऊंगा। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, वो औरत जरूर पकड़ी जाएगी, हमने तो अंदाजा लगा लिया है। शायद नजूमी ने नजूम के जरिए हिसाब लगाकर बता दिया है कि वो जजीरे के पश्चिम में एक टेले के खो में पड़ी है। हमारे आदमी अभी उसे निकाल कर लाते होंगे। और ऐसा ही हुआ। सुबह होते होते वैशी एमली को खो में से पकड़कर ले आए। सरदार ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और अपनी जुबान में कहा, बदबखत औरत, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि हमारे आदमी तुम्हें समुद्र के नीचे से भी तलाश करके ले आएंगे? तुम हमारी बीवी बनने वाली हो, बता तुझे किसने बकाया? एमली को कोई खबर नहीं थी कि अंबर को भी इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। एमली ने कहा, मैं खुद जान बचाकर भागी थी, मुझे किसी ने नहीं बकाया। सरदार ने एमली के बाल खींचकर कहा, बकवास करती हो, तुम्हारा साथी हमने पकड़ लिया है। चूंकि एमली इन वैश्यों की जुबान नहीं समझती थी, इसलिए खामोश रही और रोने लगी। सरदार ने हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो और सख्त पहरा लगा दो। अब अगर ये बागी तो मैं पहरेदार को कत्ल कर दूंगा।
वो पहरेदार कहाँ मर गए थे। मालूम हुआ कि दोनों पहरेदारों की लाशें चौपड़े के पीछे जंगल में पड़ी मिल गई थी। सरदार के गुस्से की इंतहा न रही, इस जलील इंसान ने मेरे दो आदमियों को हला कर डाला है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर इसने हाथ उठाकर कहा, दिन निकलते ही इस नौजवान को सबसे पहले हला किया जाएगा और इसका गोश्त कबीले में तकसीम किया जाएगा। वैशी खुशी से नारे लगाने लगे क्योंकि एक बार फिर उन्हें किसी सफेद इंसान का गोश्त खाने को मिलने वाला था। अंबर अपनी झोंपड़ी में कैद था, थॉमस दूसरी झोंपड़ी में कैद था और एमली एक अलग झोंपड़ी में। अंबर ने और थॉमस ने वैशियों की चीखों पुकार सुन ली थी। दिन निकल आया था। सरदार की झोंपड़ी के आगे एक तख्त लाकर डाल दिया गया। सरदार इस तख्त पर आकर बैठ गया। सारे वैशी दायरा बनाकर इर्द गिर्द बैठ गए। सबसे पहले अंबर को लाया गया। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि पहले उसे लाया गया था। अगर थॉमस को लाया जाता तो वो इसे बचा नहीं सकता था और वैशी जरूर इसे मार डालते। अंबर ने बाहर आकर देखा, एक तमाशा लगा है। सारे वैशी दायरा बनाकर बैठे हैं। सरदार ऊंची कुर्सी पर बैठा है, उसकी बीवियां भी साथ बैठी थी। बीच में एक जगह आग रोशन थी और इसमें एक कड़ाऊ चढ़ा हुआ था। अंबर समझ गया कि इसे हला करके इस कड़ाऊ में डालकर पकौड़े की तरह से तला जाएगा। सरदार के वजीर ने कहा, हुजूर इस नौजवान को जिंदा तल देना चाहिए ताकि इसको सख्त सजा मिले, फिर इसके गोश्त को काट कर खाया जाएगा। सरदार ने कहा, ठीक है। फिर हुक्म कर दिया कि कड़ाई में तेल डाला जाए। अंबर ने उनकी बात सुन ली थी, वो इनकी जुबान जानता था। सरदार की तरफ देखकर कहने लगा, सरदार अपने वजीर की बात पर यकीन न करना, मुझे तलकर नहीं बल्कि तलवार से हलाक किया जाए तो बेहतर होगा। सरदार चौंक पड़ा, ये नौजवान इन लोगों की जुबान कैसे समझता है। उसने हैरानी से अंबर की तरफ देखा, तुम हमारी जुबान कैसे समझ सकते हो, क्या तुम पहले भी जजीरे में आ चुके हो। अंबर ने कहा, मैं इससे पहले कभी किसी इस जजीरे में नहीं आया, लेकिन मैं सारे कबीलों की जुबान जानता हूँ, इसलिए कि मैं देवता हूँ जो इंसान की शक्ल में फिर रहा है। वैशी खामोश हो गए। सरदार भी इसकी तरफ से खामोशी से तकने लगा। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, यह शख्स हजूर कोई जादूगर है, चलाक है, जरूर यह हमारे जजीरे में पहले रह चुका है। जब भी हमारी जुबान जानता है, आप इसको जितनी जल्दी हो सके हला कर दें क्योंकि यह जादू करके हमें परेशान कर सकता है। सरदार ने हाथ उठाकर कहा, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। अंबर को पकड़कर दरमियान में खड़ा कर दिया गया। अंबर मुस्कुरा रहा था। एक वैशी सरदार का इशारा पाकर तलवार लेकर आगे बढ़ा। उसने पीछे से आकर अंबर की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार मारी। तलवार अंबर की गर्दन से टकराई, ऐसा शोर पैदा हुआ जैसे तलवार किसी पत्थर से टकरा गई हो। वैशी जलाद ने दूसरी बार तलवार का वार किया, इस बार भी तलवार अंबर की गर्दन से टकरा कर नीचे गिर पड़ी। वैशी जलाद ने जल्दी से तलवार जमीन पर से उठाई और एक बार पूरी ताकत से अंबर के सर पर मारा। अब के तलवार अंबर के सर से टकरा कर दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा वैशी के हाथ में पकड़ा रह गया और दूसरा टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सरदार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, ये कैसे हो सकता है। वजीर ने कहा, हुजूर ये जादू है, ये शख्स जादूगिरी से काम ले रहा है, इसे आग में डाला जाए। सरदार ने हुक्म दिया, इसे आग में डाल दिया जाए। वैशु ने आगे बढ़कर कड़ा पड़े हटा दिया। नीचे आग के शोले बुलंद हो रहे थे, जलती आग और लकड़ियां डाली गई। इससे इसकी अब शोले आसमान से बातें करने लगे थे। सरदार ने हुक्म दिया, डाल दो इसे आग में। वैशी अंबर को लेकर आगे बढ़े। अंबर ने कहा, मैं खुद आग में कूद जाऊंगा, तुम लोग पड़े हट जाओ। फिर सरदार की तरफ देखकर बोला, सरदार मैं एक बार फिर तुम्हें कहता हूँ कि इस ख्याल से बाज आ जाओ क्योंकि आग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं देवता हूँ। सरदार ने वजीर की तरफ देखा। वजीर ने मकारी से कहा, सरदार ये शख्स बकवास कर रहा है, आज तक आग में गिर कर कोई शख्स जिंदा नहीं बचा, इसे आग में डाल दिया जाए। सरदार ने इशारा किया, वैशी अंबर को लेकर आग के अलाव की तरफ आए। शोले आसमान से बातें करने लगे। वैशी आग की तपिश से घबराकर पीछे हट गया। अंबर ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और बड़े इत्मीनान के साथ आग के शोले में छलांग लगा दी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर वैशी ने खुशी से नारे बुलंद किए और आग के गिर्द रक्स करने लगे। उन्हें यकीन था यह शख्स अभी जलकर राख हो जाएगा। वजीर बड़ा खुश था। सरदार भी मुस्कुरा रहा था कि शैतान से निजात मिल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद सबके रंग जर्द हो गए। शोले में से अंबर बड़े आराम से बाहर निकल आया। उसके जिस्म पर आग का कोई निशान तक नहीं था, कपड़े तक नहीं जले थे, सर का एक बाल भी नहीं जला था। उसने सरदार की तरफ हाथ उठाकर कहा, सरदार मैंने आग की खूब सैर की, अभी और सैर करूंगा, क्या तुम अपने वजीर को इजाजत दोगे कि वो भी मेरे साथ आग की सैर करे। सरदार की तो आंखें फटी रह गई। वजीर का दम खुश्क हो रहा था। अंबर ने आगे बढ़कर वजीर का हाथ पकड़ना चाहा मगर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सरदार ने कहा, तुम जादूगर मालूम होते हो, तुम पर आग ने असर नहीं किया। अंबर ने कहा, मैं जादूगर नहीं देवता हूँ, आग तो जादूगरों को भी जलाकर राख कर देती है, क्या तुम्हारे कबीले में कोई जादूगर है, अगर है तो इसे लाओ, इसे कहो कि आग में इसी तरह से सैर करे जिस तरह मैंने की है।
सरदार ने कहा, क्या तुम एक बार फिर आग में कूद सकते हो? अंबर ने कहा, क्यों नहीं। और इसके साथ ही अंबर ने आग में छलांग लगा दी। जब अंबर को आग में गए काफी देर हो गई तो वैश्यू ने नारा लगाया, जादूगर मर गया, जादूगर मर गया। सरदार भी तख्त पर से नीचे उतर आया। आखिर वो जलकर आग हो गया। आग के शोले मध्यम भर गए, लकड़ी के अंगारे देख रहे थे। इतनी तपश थी कि किसी को करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में सब लोगों ने देखा कि अंबर बड़े आराम से अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ देखती आग के जहन्नुम में मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और बुलंद आवाज में बोला, देख लिया तुम लोगों ने, आग बिना कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मैं देवता हूँ। देवता देवता हम पर रहम खाओ। अंबर ने कहा, इस औरत और मर्द को लाया जाए जो कैद है। इसी वक्त एमली और थॉमस को बाहर निकालकर सामने लाया गया। उन्होंने जब देखा कि अंबर ने जजीरे के सरदार और वैश्यों को अपना गुलाम बना लिया तो बड़े खुश हुए। उनके मुर्दा चेहरों पर रौनक आ गई। अब वजीर भी होश में आ गया था और हाथ बांधे खड़ा था, मगर बड़ी मकारी से अंबर को तक रहा था। उसे अब भी यकीन था कि ये कोई जादूगर है। अंबर ने सरदार से कहा, मेरे घोड़े साथी को किसने हला किया था? सरदार ने कहा कि जिन दो आदमियों ने आपके साथी को तीर मारकर हला किया था वो आपके हाथों पहले ही मारे जा चुके हैं। अंबर समझ गया कि जिन दो वैश्यों को इसने अमली के झोंके के बाहर पहरा देते हुए मारा था वो ही थे जिन्होंने जिमी को हला किया था। अंबर और उसके साथियों के गले में फूलों के हार डाले गए। अंबर ने वजीर की तरफ देखकर कहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं जादूगर हूँ? वजीर ने सर झुकाकर कहा, देवता आप देवता है, मुझे माफ कर दें। अंबर ने कहा, अब तक तुम कितने लोगों को मारकर खा चुके हो? वजीर ने कहा, हुजूर यहाँ कभी कभार बाहर से मुसाफिर आता है, हमें एक मुद्दत हो गई है किसी इंसान को हला करके इसकी दावत उड़ाते हुए। अंबर ने कहा, क्यों ना आज तुम्हें हला करके तुम्हारी दावत उड़ाई जाए। वजीर काम कर अंबर के कदमों पर गिर पड़ा, हुजूर रहम करें, मुझ पर रहम करें। अंबर ने कहा, तुमने जाने कितने इंसानों को कत्ल किया है, तुम पर रहम नहीं किया जा सकता। उसने वैश्यों को इशारा किया इसे उठाकर आग में फेंक दिया जाए। वैश्य तो अंबर को देवता समझ रहे थे और इससे बहुत डरते थे। उन्होंने देखते देखते वजीर को उठाया और आग में डाल दिया। वजीर की चीखें बुलंद हुई फिर खामोश हो गई, आग ने उसे खत्म कर दिया था। अब अंबर ने सरदार की तरफ देखा, कहा, सरदार क्या तुम वादा करते हो कि आइंदा इस जजीरे पर किसी इंसान को नहीं मारा जाएगा? सरदार ने हाथ बांधकर सर झुका दिया और कहा, अजीम देवता मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस जजीरे पर किसी इंसान को हलाक नहीं किया जाएगा और किसी मुसाफिर पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बाहर से जो भी यहाँ आएगा इसकी मदद की जाएगी। अंबर ने थॉमस और एमली की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसके फजलो करम से तुम्हारी जान बच गई। यह फिक्र अंबर ने अंग्रेजी जुबान में कहा था। थॉमस बोला, हाँ हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं, उसके बाद हम तुम्हारा शुक्र अदा करते हैं। अगर खुदा तुम्हारा सबब ना बनाता तो इस वक्त तुम हमारी भी हड्डियां गल सड़ चुकी होती। अंबर ने कहा, बहरहाल मुझे जिमी का अफसोस है, लेकिन गैर जिम्मेदार आदमियों का इस दुनिया में ऐसा ही अंजाम होता है। इंसान को चाहिए कि वो जिंदगी में जिम्मेदारी से काम लेना सीखे और अपनी जुबान को काबू में रखे। दोपहर को अंबर की जबरदस्त दावत की गई। जजीरे से हिरन पकड़कर बोन कर लाया गया। केले के पत्तों का लंबा दस्तरखान बिछाया गया जिस पर हिरन तितर और जंगली कबूतरों का भुना हुआ गोश्त और किस्म किस्म के फल सजाए गए। अंबर एमली और थॉमस ने एक मुद्दत के बाद पेट भर कर खाना खाया और फिर वो झोंपड़े में जाकर सो गए। इस वक्त वजीर के एक भाई ने सरदार से कहा, सरदार ये शख्स शैतान का चेला है और हमें अपनी जादूगरी से धोखा देकर देवता बन गया है। वजीर को अपने भाई की मौत का बड़ा सदमा था और वो अंबर से भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। इस शख्स का नाम तोड़दा था और ये सांपों का बादशाह मशहूर था। इसके पास झोंपड़े में बड़े बड़े जहरीले सांप मौजूद थे। सरदार ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम इस शख्स के जादू का तोड़ तलाश कर सकते हो? क्योंकि अगर ये शख्स देवता नहीं है तो फिर आग तलवार से क्यों नहीं मरता? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस पर असर नहीं होता तलवार और आग का। तोड़ बोला, हुजूर मेरे पास एक ऐसा जहरीला सांप है, अगर एक बार इसको डस दे तो इसका जिस्म पानी भरकर हड्डियों समेत बैठ जाएगा। आप हुक्म करें फिर देखें मेरा सांप क्या काम दिखाता है। सरदार कुछ सोच में पड़ गया। उसे यह भी डर था कि अगर सांप भी अंबर का कुछ ना बिगाड़ सका तो फिर सरदार की खैर नहीं। मगर तोर्द बड़ा होशियार था, उसने इधर उधर की बातें कहकर सरदार को राजी कर लिया। उसे सरदार से यह भी कहा, यह शख्स खामखा यहाँ आकर सरदार बन गया है, असल सरदार तो आप हैं, इसे खत्म करने का हुक्म दें ताकि आपकी सरदारी एक बार फिर से कायम हो सके, नहीं तो यह शख्स आपको गुलाम बनाकर कैद में डाल देगा और खुद इस जजीरे पर हुक्मरानी करेगा। सरदार मकार तोड़दू की बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है कि इन लोगों पर अपने सांप छोड़ दो, अंबर के अलावा उसके दोनों साथियों को भी सांप से डसवा दो। तोड़दू बोला, हुजूर इनको तो हम भूनकर खाएंगे, एक अरसे बाद सफेद चमड़ी वाले हमारे काबू में आए हैं। सरदार ने कहा, ठीक है तुम अपना काम करो, मगर देखना किसी को कानो कान खबर ना हो, नहीं तो यह शख्स फिर कोई जादूगरी कर देगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। तोड़द ने कहा, देखे तो सही मैं किस होशियारी से काम करता हूँ,
इतना कहकर मकार तोड़ वहां से निकलकर सीधा अपनी झोपड़ी में आ गया। यहां से उसने एक इंतहाई जहरीली सांप लेकर पटारी में डाला और इसे झोंपड़े की तरफ चला जिसके अंदर अंबर आराम कर रहा था। सूरज ग्रूब हो रहा था, जजीरे पर दिन डल रहा था। सपेरे तोड़ ने पटारी छुपा रखी थी। अंबर के झोंपड़े के पीछे आकर उसने पटारी का मुंह खोल दिया। इसके साथ ही वो खुद भाग गया। सांप के झोंपड़े के बाहर निकलने का इस सुराग के अलावा और कोई रास्ता ना था। इसे मालूम था कि सांप जिस रास्ते से जाता है इसी रास्ते से काम भी बाहर निकलता है। फिर से उसे अपने सांप के बारे में भी इलम था कि यह आदमी की मुंह पर जाता है और जहां आदमी हो वहां जाकर उसे डसकर हलाक कर देता है। अंबर थक गया था, चुनाचे अपनी झोंपड़ी में जमीन पर बिछी चटाई पर बड़े आराम से सो रहा था। सांप का रंग स्याह और जर्द था, उसके जिस्म पर लाल लाल दानियां थी, इसको देखकर ही वहशत होती थी। सांप ने अंबर की भूख पा ली थी। सांप बड़े आराम से रेंगता हुआ अंबर के पास पहुंच गया। अंबर गहरी नींद सो रहा था। सांप ने करीब जाकर अपना फन फैला लिया, अंबर के मुंह पर झुककर झूमने लगा। फिर उसने बिजली जैसी तेजी के साथ अंबर के माथे पर डस दिया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी पत्थर की सील पर मुंह मार दिया हो। इसके होंठ और दांत जख्मी हो गए। सांप ने गुस्से में आकर दूसरी बार डसा और इस बार फिर उसका मुंह पत्थर से टकराया और दोनों अगले दांत टूट गए। अब अंबर की भी आंख खुल गई। उसने जागते ही सामने काले रंग के सांप को फन फैलाए गजबनाक और सख्त गुस्से में देखा तो समझ गया ये सांप किसके लिए परेशान है। उसने हाथ आगे बढ़ाया ताकि सांप को पकड़ ले। सांप ने जख्मी होने के बावजूद अंबर के हाथ पर डसने की कोशिश की, उसके होंठों से खून बहने लगा। अंबर ने सांप को हाथ से पकड़ लिया और नाग ने उसे सांपों की जो जुबान सिखाई थी इस जुबान में उसने सांप से पूछा तुम्हें किसने भेजा है। सांप ने जो एक इंसान को अपनी जुबान में बातें करते देखा तो इस पर दहशत छा गई, समझ गया कि ये कोई गैर मामूली इंसान है। थर थर कांपने लगा, बोला मुझे तो तोर्द स्पेरे ने भेजा है जो वजीर का भाई है और इस कबीले का सबसे बड़ा स्पेरा है। अंबर ने कहा इसने तुम्हें क्या कहकर भेजा है। सांप बोला इसने मुझे कहा कि आपको डस दूं। अंबर ने उठते हुए कहा ठीक है मेरे साथ आओ। अंबर ने सांप को अपने गले में डाल लिया और झोंपड़े से बाहर आ गया। बाहर आते ही वो सीधा सरदार के झोंपड़े की तरफ चला। सरदार अपने झोंपड़े में बैठा बेचैनी से तोर्द का इंतजार कर रहा था कि वो आकर ये खुशखबरी सुनाए कि अंबर हलाक हो गया है। अचानक उसने देखा कि अंबर जहरीले सांप को अपने गले में डाले इसे खेलता बातें करता अंदर आ गया। सरदार उठकर बैठ गया। अंबर ने कहा तोर्द नाम का स्पेरा कहाँ है, इसे बुलाया जाए। सरदार समझ गया कि अजीम देवता जीत गया और वो हार गया। उसने सजदे में गिरकर कहा मुझे माफ कर दो अजीम देवता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। अंबर बोला अच्छा तो गोया इस खौफनाक साजिश में तुम भी शरीक थे, लेकिन इस सांप ने मुझे बताया कि इसे तो तोर्द स्पेरे ने मुझे हलाक करने के लिए मेरी झोंपड़ी में भेजा है। तोर्द को बुलाओ नहीं तो ये सांप तुम्हारे गले में डाल दूंगा। सरदार ने अंबर के पांव पकड़ लिए, अभी बुलाता हूँ, फौरन बुलाओ तोर्द को, आज हम इसे एक तमाशा दिखाएंगे। वो सरदार के पास आया और सरदार ने तोर्द को हाजिर होने का हुक्म दिया तो तोर्द ने अपने 6 जहरीले सांप पटारी में रखे और सरदार के झोंपड़े में आकर बोला अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं ये सांप सरदार पर फेंक दूंगा, चाहे मैं खुद मार जाऊं मगर सरदार को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये साजिश में बराबर का शरीक था। अंबर ने कहा कि सरदार अपने कसूर को मान लिया है और माफी मांग ली है, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तोर्द बोला मैं कसम खाता हूँ कि इस पटारी में बड़े जहरीले सांप है अंबर, ठीक है ये तुम्हें कुछ ना कह सकेंगे मगर यहाँ के सब आदमियों को सरदार समेत हलाक कर देंगे। अंबर ने कहा तुम सांप छोड़ो, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तोर्द ने पटारी खोलकर जमीन पर उलट दी। जमीन पर उलटते ही 6 के 6 जहरीले सांप इधर उधर भागकर पान फैलाकर खड़े हो गए। अंबर भी कुछ देर के लिए घबरा गया, काम भक्तों ने लोगों को डस दिया तो वो भी इनमें से किसी को नहीं बचा सकेगा, इसलिए बेहतर है कि सांप की मदद हासिल की जाए। अंबर ने अपने हाथ में पकड़े हुए सांप से उसकी जुबान में कहा क्या तुम इन सांपों को मना कर सकते हो। सांप अंबर की बेहद इज्जत करता था, उसे बड़ा अजीम इंसान समझता था क्योंकि सांप की जुबान हर ऐड़ा गड़ा नहीं जान सकता था। सांप ने सर झुकाकर कहा क्यों नहीं हजूर, आप हुक्म दे मैं अभी इन्हें मना करता हूँ। अंबर ने कहा इन्हें हुक्म दो के वापस आ जाए और किसी को ना काटे। तोर्द ने देखा कि अंबर सांप से बातें कर रहा है, सरदार भी ये सुनकर देख रहा था, वो बड़ा हैरान था। सब लोग सांपों से सहम कर खड़े थे। सांप ने अपने मुंह से सीटी की एक लंबी सी आवाज निकाली। इस आवाज को सुनते ही सारे के सारे सांप वापस पटारी के पास आकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने अपने फन इकट्ठे कर लिए। अंबर ने सांप से कहा इन्हें कहो कि स्पेरे को यहाँ से भागने ना दे। सांप ने दोबारा सीटी निकालकर सांपों को कहा कि स्पेरे तोर्दों को यहाँ से भागने ना दिया जाए। इस हुक्म को सुनते ही 6 के 6 सांप अपनी जगह से बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े
उन्होंने लपक कर सफेद तोड़ों के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। वो पानी उठाकर जमीन से एक एक डेढ़ डेढ़ गज ऊपर उठ खड़े हो गए और झूम रहे थे। ये देखकर तोड़ों सपेरे का बुरा हाल हो गया। अम्बर ने सरदार से कहा, सरदार क्या अब भी तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि मैं तुम्हारा देवता हूँ? देखो ये सांप मेरा हुक्म मानते हैं। सरदार तोड़ों खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। उसने कहा, अजीम देवता मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तोड़ों मकार है, उसने मुझे भी बरगलाया, इसकी बोटी बोटी कर दो, मुझे हुक्म दे। अम्बर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैं किसी के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि सांपों ने अभी मुझे कहा है कि वो इसके खून से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। तोड़ों ने इतना सुना तो उसकी जानें निकल गई। टांगे खौफ के मारे पहले ही कांप रही थी, अब थर थर लड़खड़ाने लगी। सांप उसके इर्द गिर्द झूम रहे थे। रोते हुए बोला, अजीम देवता मुझे माफ कर दो। अमर बोला, तुम एक मकार और कमीने दुश्मन हो, कमीने दुश्मन को कभी माफ नहीं करना चाहिए, इसलिए अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। इसके साथ ही अमर ने सांप के कान में कुछ कहा। सांप ने एक खास सीटी बजाई, जिसे सुनकर छह के छह सांप एकदम से तोड़ों पर टूट पड़े। सांप ने बारी बारी तोड़ के जिस्म पर डस कर इसके खून में अपना जहर दाखिल कर दिया। कहां तो एक सांप और कहां इकट्ठे छह सांपों ने तोड़ों को डसा था। उसकी टांगे कांपी, रंग काला पड़ गया, गिरा और फिर बेहिस हो गया। अब सबके देखते देखते उसका जिस्म पानी बनकर बहने लगा, उसकी हड्डियां भी पानी बनकर गल गईं। फिर वहां सिर्फ पानी का निशान रह गया था। तोड़ के इंजाम से सरदार की आंखें खुल गईं। अम्बर ने अपने गले वाले सांप से कहा, अब तुम लोग आजाद हो, जंगल में जहाँ चाहो जाकर रह सकते हो, लेकिन वादा करो कि किसी बेगुनाह इंसान को दसोगे नहीं। सांप ने कहा, मैं वादा करता हूँ अजीम देवता। तो फिर जाओ, आज से तुम आजाद हो। अम्बर ने सांप को जमीन पर छोड़ दिया, सब चले गए। इनके कान में अपनी जुबान में कुछ कहा और फिर सातों सांप झोंपड़ी में से निकलकर जंगल की तरफ चले गए और झाड़ियों में गुम हो गए। अब अम्बर ने सरदार से कहा, एमली और थॉमस को भी बुलाया जाए। इस वक्त एमली और थॉमस आ गए। सरदार तो इनके आगे पीछे फिर रहा था। ये लोग जजीरे में छह दिन रहे, उनकी जबरदस्त खातरें हुई। सरदार ने खिदमत करते करते कमाल कर दिया। सुबह उठते ही अम्बर की खिदमत शुरू हो जाती, रात गए तक जारी रहती। अम्बर सरदार से बड़ा खुश था। उसने सातवें रोज सरदार से कहा कि हमारे लिए एक बड़ी कश्ती तैयार करवाई जाए। सरदार ने कहा, क्यों अजीम देवता, क्या यहाँ से जी बढ़ गया है? अम्बर ने कहा, नहीं जी तो नहीं बढ़ा, लेकिन हमें कुछ और काम करने हैं, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। सरदार ने कहा, हजूर आप तो देवता हैं, आपको कश्ती की क्या जरूरत, आप तो समंदर में वैसे ही बड़ी आसानी से तैर सकते हैं। अम्बर ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, मुझे कश्ती की जरूरत नहीं, मगर मेरे साथी मेरी तरह से समंदर में सफर नहीं कर सकते, उन्हें कश्ती की जरूरत है। सरदार ने कहा, जो हुक्म हजूर, मैं आज ही कश्ती की तैयारी का हुक्म देता हूँ। सरदार ने अपने खास आदमियों को कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया। कश्ती की तैयारी में इसी वक्त शुरू हो गई। अम्बर ने मिस थॉमस और एमली को बता दिया है कश्ती तैयार हो रही है और वो बहुत जल्द जजीरे से रवाना होंगे। एमली ने पूछा कि सवाल यह है कि हम किस तरफ जाएंगे। थॉमस ने कहा, यानी हमारी मंजिल कौन सी होगी, हमें तो बिल्कुल इल्म नहीं है कि इस जजीरे के इर्द गिर्द दुश्मन बैठा है कि दोस्त बैठा है। अम्बर ने कहा, मैं आज सरदार से बात करूंगा, इसे जरूर मालूम होगा कि ये जजीरा समंदर में किस जगह वाकया है, पूरे सरार जहाज। दूसरे दिन अम्बर ने सरदार से पूछा, सरदार क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा ये जजीरा जहाँ आबाद है, इसके इर्द गिर्द कौन सा समंदर है और वहाँ कौन सा मुल्क करीब है? सरदार ने कहा, अजीम देवता हम सदियों से यहाँ आबाद चले आ रहे हैं, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हमारा पश्चिम में एक जजीरा है जहाँ हमारी तरह के वैशी लोग रहते हैं। हाँ बुजुर्गों से हमने सुन रखा है कि यहाँ से सात रोज के फासले पर दिखन की तरफ एक मुल्क है जहाँ दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मालूम। अम्बर ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि दुनिया में इस वक्त जंग हो रही है, शहरों पर बमबारी की जा रही है, ये लोग मर रहे हैं? सरदार ने कहा, नहीं अजीम देवता हमें जंग के बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ एक बार हमारे जजीरे के ऊपर से सफेद रंग के चमकदार सितारे गुजरे थे, वो दूर दिखन से आए थे और पश्चिम की तरफ गुजर गए। इन सितारों की धुमों से सफेद रंग का धुआं निकल रहा था, उन्हें देखकर हम डर गए थे। हमने आग जलाकर देवता के हुजूर बछड़े की कुर्बानी पेश की थी, उसके बाद कभी कोई धुएंदार सितारा हमारे जजीरे के ऊपर से नहीं गुजरा। अम्बर ने ये सारी बातें थॉमस और एमली को जाकर बता दी। अब वो गौर करने लगे वो किस मुकाम पर है और जो दक्कन है वो कौन सा मुल्क होगा। थॉमस का नक्शा स्टीमर में ही जल गया था, सिर्फ उसके पास कंपास थी जो सिर्फ ये जाहिर करती थी कि वो जनूब मशरक के समंदर में है। एमली ने कहा कि मेरा ख्याल है हमें दक्कन के तरफ वाले मुल्क की तरफ सफर शुरू करना चाहिए, हो सकता है कि वो मुल्क ऑस्ट्रेलिया ही हो। थॉमस ने कहा, अगर हम जापान पहुंच गए तो फिर हमारा हशर बुरा होगा। अम्बर बोला, ये खतरा हमें मोल लेना ही होगा थॉमस, क्योंकि अगर हम शुमाल की तरफ निकल गए तो हो सकता है हमारा सफर कभी खत्म ना हो। हम समंदर में, क्योंकि शुमाल की तरफ जो भी मुल्क होगा वो यहाँ से हजारों मील दूर होगा।
इन वैश्यों का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ से 7 रोज के फासले पर दखन की तरफ कोई मुल्क है, यकीनन कोई ना कोई मुल्क जरूर होगा। और एमली के ख्याल के मुताबिक मैं भी यही कहूँगा कि वो मुल्क ऑस्ट्रेलिया ही हो सकता है। थॉमस ने कहा, फिर ठीक है, खुदा का नाम लेकर हम दखन की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। 10-15 दिनों के बाद कश्ती तैयार थी। कश्ती काफ़ी बड़ी थी और 2 मंजिला थी। जंगलियों ने बड़ी कारीगरी के साथ कश्ती तैयार की थी। इसके ऊपर बादबान भी लगे थे। 1 मंजिल नीचे थी जिसमें खाने पीने की चीज़ें बांट दी गई थी। खाना पकाने के लिए चूल्हे भी बनाए गए थे। अंबर, थॉमस और एमली कश्ती को देखकर बड़े खुश हुए। अब वो ठीक मौसम का इंतजार करने लगे। बारिश खत्म होने वाली थी। खुदा खुदा कहकर बरसात का मौसम हुआ खत्म हुआ। आसमान पर सूरज चमकने लगा, बादल चले गए, समंदर में आने वाला तूफान भी थम गया। चुनाचा एक रोज़ जब के मौसम बड़ा साफ था, हवा भी अच्छी चल रही थी, और मैंने सरदार से इजाज़त ली और कश्ती में सवार हुआ दखन की तरफ रुख कर सफ़र शुरू कर दिया। एमली ने आटे को गूंद कर रोटी पकाई जो उन्होंने दोपहर के वक्त कश्ती के डेक पर बैठकर खाई। बाद पानों में हवा खूब बड़ी हुई थी। समंदर में कश्ती हवा के ज़ोर से खूब चल रही थी। थॉमस कुतुब नुमा निकाल कर थोड़ी देर बाद देखकर तसली कर लेता कि वो ठीक रुख पर जा रहा है। इस तरह से सफ़र करते करते उन्हें 4 रोज हो गए समंदर में कोई तूफान ना आया। मौसम खुशगवार ही रहा। 5वें रोज उन्हें दूर समंदर में एक सियाह सा डब्बा नजर आया। उनके पास अब दूरबीन भी नहीं थी। ये दूरबीन भी स्टीमर के साथ ही चले गई थी। इस डब्बे को सबसे पहले एमली ने देखा और कहा, वो डब्बा सा क्या है, जरा देखो तो उधर। थॉमस और अंबर ने भी सियाह डब्बे को देखा। उनकी समझ में नहीं आया था कि ये डब्बा कैसा है। थॉमस ने कहा, मेरा ख्याल है ये छोटा सा जजीरा है। अंबर ने कहा, जजीरा कभी दबे की शक्ल में नजर नहीं आता। जजीरा चाहे कितना ही छोटा हो, एक लकीर दिखाई दिया करता है। एमली ने कहा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में क्या है अंबर भाई? अंबर ने दबे को गौर से देखते हुए कहा, मुझे तो यूं लगता है जैसे ये कोई जंगली जहाज है। जंगली जहाज? एमली चीख पड़ी, नहीं नहीं खुदा के लिए ऐसा ना कहो, फिर हम एक बार जंग की मुसीबत में नहीं फंसना चाहते। अंबर बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है थॉमस? थॉमस भी अब धब्बे को गौर से देख रहा था जो अब बड़ा होता जा रहा था। उसने आंखें सुखेड़ लगी थी और माथे पर हाथ का छज्जा बना था। कहने लगा, अंबर तुम्हारा ख्याल ठीक लगता है, यानी? एमली ने डरते हुए पूछा। थॉमस ने कहा, यानी ये कि डब्बा कोई जंगली जहाज का ही है। एमली उदास हो गई बल्कि परेशान होकर खाने के बर्तन उठाकर नीचे चले गई। अब कश्ती के डेक पर सिर्फ थॉमस अंबर ही रह गए थे। डब्बा साफ होने लगा। अब वो बिल्कुल साफ एक बैरी जहाज नजर आया था। थॉमस ने परेशान होकर कहा, अंबर अगर ये दुश्मन का जहाज हुआ तो क्या करोगे? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, क्या करेंगे, यही कि कैदी बन जाएंगे और क्या कर सकते हैं हम। थॉमस बोला, हो सकता है वो हमें गोली से उड़ा दे। अगर ये लोग जापानी हुए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो तुम बच जाओगे और हमारी खैर नहीं। अंबर कहने लगा, घबराते क्यों हो भाई, मैंने तुम्हें पहले छोड़ा है जो अब छोड़ूंगा। फिक्र ना करो, खुदा की रहमत पर भरोसा रखो। दोपहर के बाद डब्बा साफ हो गया। वो एक बैरी जहाज था लेकिन जंगली जहाज नहीं था। ना इस पर कोई तोप लगी थी, ना ही डाल लगा था। ऐसा लगता था मुसाफिर जहाज है। कम वक्त इंसानों की बादबानी कश्ती भी ठीक इसी जहाज की तरफ चली जा रही थी। वो जहाज भी इधर ही आ रहा था। अब उन्होंने देखा कि जहाज के डेक पर कुछ लोग खड़े दूरबीनों से कश्ती को देख रहे हैं। अब मैंने थॉमस से कहा, कोई मुसाफिर जहाज लगता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। थॉमस बोला, अगर ये अमेरिकी, बरतानवी या ऑस्ट्रेलवी मुसाफिर बरदर जहाज हुआ तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, हम इस पर सवार होकर अपने मुल्क पहुंच जाएंगे। अंबर ने कहा, जरा अंदाजा लगाओ दूर से ये लोग तुम्हें किस मुल्क के बशिंदे लग रहे हैं। थॉमस ने आंखें सुखेर कर गौर से इन लोगों को देखा जो जहाज के जंगले पर खड़े दूरबीनों से और बगैर दूरबीन के भी बादबानी कश्ती को बड़े ताज्जुब से देख रहे थे। कहने लगा, मुझे तो ये लोग यूरोप के लगते हैं। अब खुदा जाने कहीं जर्मनी के लोग ना हो। फिर क्या हुआ, आखिर मुसाफिर बरदर जहाज है, ये लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे और फिर हम तो खुद भी मुसीबत ज्यादा है, ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। अब एमली भी डेक पर आ गई थी और खौफ उम्मीद की मिनी जो एक हालत से जहाज को तक रही थी। जहाज करीब आकर रुक गया। वो बादबानी कश्ती के ऊपर आ गए थे। अंबर ने कहा, आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? भाई, हम लोग इस जहाज में सफर कर रहे थे कि तूफान में फंस कर डूब गए। हम किसी तरह से जान बचा कर इस जजीरे पर पहुंचे और कामयाब हो गए। वहां 1 महीना हमें वहां के बछिंदों ने रखा, फिर उन्होंने ये कश्ती बनाकर हमें दी। वो जो जहाज वाले थे वो अंबर से पूछ रहे थे कि तुम लोग कौन हो, तो अंबर उसके जवाब में ये सारा कुछ उन्हें बता रहा था। हम खुदा का नाम लेकर समंदर में चल पड़े कि कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। आप बताएं कि आपका जहाज कहाँ से आ रहा है? जहाज वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वायरलेस पर पीछे कहा, सर ये कोई तबाह हाल मुसाफिर मालूम होते हैं। उधर से शायद किसी ने कहा, ठीक है इन्हें ले आओ और कश्ती छोड़ दो।
कुछ दूर जाने के बाद वो भी निगाहों से ओझल हो गई जहाँ जहाज के कप्तान ने अंबर से मुलाकात की और पूछताछ की, सबसे पूछताछ की गई। सब ने एक ही जवाब दिया, जो अंबर ने कहा था इसे ही दोहराया गया। आखिर जब कप्तान ने पूछा तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो, तो अंबर, थॉमस और एमली ने यही कहा कि हम स्विट्जरलैंड के बशिंदे हैं और इंडोनेशिया जा रहे थे। एमली ने बताया कि वो थॉमस की बीवी है। अंबर ने बताया कि वो इंडोनेशिया में कारोबार करता था और जहाज ही में इसकी मुलाकात इस जोड़े से हो गई। कप्तान खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा, कुछ ना बोला। उसने अपने मेट को इशारा किया कि इन लोगों को कैबिन में जाकर बंद कर दो। एमली, थॉमस और अंबर को एक कैबिन में ले जाकर बंद कर दिया गया। वो कैद भी नहीं थे, लेकिन उन्हें बगैर इजाजत के कैबिन से निकलकर ऊपर आने की इजाजत भी नहीं थी। अंबर ने थॉमस से कहा, अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये लोग जंगी जहाज है या मुसाफर है। अगर मुसाफर जहाज है तो फिर इसकी सवारियां कहाँ हैं? अगर जंगी जहाज है तो तोपे कहाँ चले गई? अगर माल बरादर जहाज है तो माल किस जगह लदा है? थॉमस बोला कि मेरा ख्याल है ये माहिगीर लोग हैं और समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकले हैं। एमली ने कहा, लेकिन आखिर ये किस मुल्क के हैं? उन्होंने तो बिल्कुल नहीं बताया कि ये किस मुल्क के रहने वाले हैं। वो कभी अंग्रेजी जुबान में बात करते हैं और कभी डच जुबान बोलते हैं। अंबर ने कहा, एक दो बार मैंने एक मुल्ला को जर्मन जुबान में बोलते देखा है। जर्मन? कहीं ये लोग जर्मन तो नहीं? थॉमस की इस बात पर अंबर ने कहा, अगर जर्मन है तो फिर इन लोगों का जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एमली ने कहा, हो सकता है ये जहाज समंदर में जासूसी करता फिर रहा हो और ये जर्मन ही हो सकता है ये जहाज समंदर में जासूसी करता फिर रहा हो और ये जर्मन ही हो। आखिर अंबर ने कहा, ठीक है, हमें खामोशी से यहाँ रहना होगा और अंदाजा लगाना होगा कि ये लोग क्या करते हैं और किस मकसद के वास्ते समंदर में घूम रहे हैं। वैसे मुझे तो ये कोई बड़ा पुरअसरार जहाज मालूम होता है। इन लोगों को जहाज के कैबिन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। उन्हें खाने पीने की चीजें कैबिन के अंदर ही पहुंचा दी जाती थी। कैबिन में एक गोल सुराख था जिस पर मोटा शीशा लगा था। इस शीशे में से समंदर नजर आता था। जहाज की नकलो हरकत किसी वक्त बड़ी पुरअसरार हो जाती थी। ऊपर डेक पर लोगों के भागने दौड़ने की आवाजें आती, किसी वक्त खामोशी छा जाती। एक बार ऊपर से समंदर में जाल फेंका गया ताकि मछलियां पकड़ी जाए। फिर ये मछलियों से बड़ा हुआ जाल ऊपर डेक पर खींच लिया गया। दो रोज हो गए थे। एक रोज जहाज पर भागदौड़ शुरू हो गई। बोंपू बजने लगा। अंबर ने गोल शीशे के साथ मुंह लगाकर देखा। दूर एक जंगी जहाज आगे बढ़ रहा था और इस जहाज पर अमेरिका का झंडा लहरा रहा था। पुरअसरार जहाज का राज क्या था? मारिया हिंदुस्तान के जंगल में कहां भटक रही थी? नाग पर जोगी के लिबास में क्या गुजरी? इन सवालात के जवाब बात आप आइंदा आने वाली एपिसोड में इंशाल्लाह ताला 76 में समाअत फरमाएंगे। अच्छा, तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। ओके, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।